अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हमारा हो चुका है गेम लूप का दूसरा मैच स्टार्ट। गेम लूप का दूसरा टूर्नामेंट का दूसरा लूप कप का दूसरा मैच स्टार्ट हो चुका है। जो हम यहाँ पे हमारे पास 53 बंदे हैं। वालेकुम अस्सलाम भूत की चुड़ैल, वेलकम। अरे सोनी तुझे क्या बताऊँ, आज इमरजेंसी था, अभी घंटा हुआ आया हूँ। तो यहाँ पे गाइस पिछला मैच जो था एमवी के ग्रुप ऐसे जीत चुकी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं। यहाँ पे जो दूसरे मैप बना है, ये मैप बना है जीप मॉस्क से सेवर्नी। दूसरे मैच बना है डिसेंट प्ले। वालेकुम अस्सलाम, लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे हर कोई लैंडिंग तरफ जा रहा है। मॉस्क में आई थिंक स्क्वाड उतर गया है। यहाँ पे WR वाले उतर गए हैं। ब्रिज पे दो स्क्वाड उतर गए, यहाँ पे फाइट हो सकती है ब्रिज वालों के। दूर है ये INF का स्क्वाड है और यहाँ सारे थे पर मैं नहीं हूँ ठीक। यहाँ पे हम देखने गए अपार्टमेंट में, हमें स्क्वाड दिख रहा है उतरने को। यहाँ पे फाइट हो सकती है। हम कुछ नहीं को तो सारे यहाँ पे हमें दो बड़ कट्ठे उठे। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? ए जी मानी और इनके साथ एक बंदा ऑफ है। इनको ये दिखा नहीं है, इनको इसको मार नहीं रहे। तो कर दिया एजी अनस ने। कर दिया है अरसलान जीएम प्ले के एजी साइको पे। और यहाँ पे साइको ने अरसलान को डाउन कर दिया है। यहाँ पे कवर फायर देते हुए वो शॉटगन डाउन कर दिए हैं। और फिनिश करने लगे थे लेकिन यहाँ पे DBS के AG कैप्टन कर दिया। यहाँ पे
ओडी का स्क्वाड फिनिश हो चुका है, इजी रिवाइव हो जाएगा। और अभी सब स्क्वाड स्कून में है, हर कोई लूट करने पे तवज्जो दे रहा है। ये स्क्वाड कहाँ रोटेशन दे खेलते हैं, सबका गेम लुक की तरफ से रिप्रेजेंट है आप सबको। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप इनसे कोई भी है हर कोई जोन की तरफ रोटेशन ले रहा है। और जोन जो हमें देखने को मिल रहा है पुचिंकी से मेल्टा पावर और कमिश्की और शूटिंग रेंज को टच करता हुआ, जो कि यशनाया पे जोन बन रहा है। आई थिंक सो यशनाया की बड़ी बिल्डिंग बहुत सेफ रहेगी जोन रोटेशन के लिए। सिवरनी से टीम निकली और दूसरी टीम सिवरनी जा रही है, और ये आसपास से गुजर ये भी एक दूसरे को स्पॉट कर ले। यहाँ पे बड़ी गेम है क्योंकि स्क्वाड बहुत ज्यादा हैं और स्टेलबर भी है, जो कि स्टेलबर की तरफ मूव कर गई है जा सकता है। मैंने वो डाल दिया लिंक, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जी जो आयन वाले हैं लूट करके निकल कर। ये क्या पास एक और स्क्वाड है, यहाँ पे इनके फायरिंग का दबाव हो रहा है लेकिन देखने को नहीं मिला। ऐसे डैमेज जरूर किया है पर और हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। गार्डन लेके निकलने की ट्राई करेंगे क्योंकि आउट ऑफ जोन फाइट करना एक बेवकूफ़ी है। अभी तक 1 2 3 4 5 उनमें है, देखते हैं यहां से रोटेशन मारेंगे। पॉप की तरफ मार सकता है फ्लैंक के लिए, पॉप का भी इस टाइम कोई भी नहीं है तो रिपोप का से फिर मेंशन पे भी जोन अलर्ट हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो दो स्क्वाड निकले हैं इनके रास्ते में गाड़ियों की फाइट में भी हो सकती है। यहाँ पे चार बंदे अलग अलग गाड़ियों पे जा रहे हैं और इनके डेक्ट पीछे जो है अल्फा का स्क्वाड है। आई थिंक मे आई एम श्योर कि इन्होंने देखा है बट डब्ल्यू आर के दो बंदे ऊपर खड़ गए हैं, दो लेफ्ट दो राइट। अच्छा गैजेट देने की ट्राई कर, नाइस बहुत प्यारा बादशाह वाइट ने डाउन कर दिया है, कर दिया है अल्फा यूनाइटेड को और अल्फा क्लैश डाउन कर दिया है। दूसरा भी नॉक निकाल लिया है इन्होंने,
रिवाइव होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पहाड़ियों पे, दोनों रिजिस पे उन्होंने बंदे ले लिए। और ये क्या, तीसरा बंदा इनका तीसरी पहाड़ी पे जा रहा है। व्हाट इज अ बिहेव, पिंजरा टाइट कर दिया कि भाई भागने तो देना ही नहीं है। यहाँ पे दो बंदे अल्फा के फिनिश हो चुके हैं और दो बंदे यहाँ से निकलने में उन्हें यहाँ पे बोला था ओपन में खड़ा होने की वजह से इनको बड़ा नुकसान आया। और डब्ल्यू आर वाले एग्जैक्ट इनके पीछे आ चुके हैं। फोर है यहाँ पे, फोर डाउन किया है। बादशाह राइट से रोटेट मारते हो, और नेड किया यहाँ पे, फटेंगे नहीं, बचा दूसरा नेड पे फट सकते। और ये इनको पीछे से डब्ल्यू आर इम्पेरियल मार दिए यहाँ पे, यहाँ पे डब्ल्यू आर अल्फा का स्क्वाड फिनिश होता है। भाई क्या गेम खेल रहे हैं, कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे आपस में थे, वो इसको किधर भेज रहे हैं वो खुद रिलेशन। दो बंदे आगे से, दो बंदे पीछे से, लेफ्ट साइड से घूम जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ किसको पकड़ रहे हैं। यहाँ पे वही हुआ जो मैंने बोला था, एम एस बन रहा है जूम, और M24 जो है उन्होंने यशनाया पकड़ा हुआ है, और वेस दान और पंगी। और यहाँ पे दानी डाउन हो चुके हैं M24 की शॉट से। जी कैप्टन ने शॉट दिया कि क्या ये रश करने की ट्राई करेंगे, और वेस बहुत पीछे है। और बिल्कुल रश कर रहे हैं ये लोग, तो पता है कि ये बिल्डिंग लेनी है, जोन आ रहा है। और केजी कैप्टन को डाउन कर दिया, और नाइस केजी कैप्टन को भी बहुत प्यारा उतार दे, मानी को भी उतार दे। दो बंदे डाउन है यहाँ पे, यहाँ पे जो है गेम चल पड़ी है। यहाँ पे जैक एम टू होल्ड डाउन थी, और अब यहाँ पे एज के लड़के बहुत मुश्किल है इनका बचना, ये दोनों की हेल्थ बिल्कुल डाउन है। देने के लिए नहीं जाना चाहिए था, एक बंदे की कुर्बानी दे सकते थे, जहाँ के दो बंदों की कुर्बानी देनी पड़ी। जल्दी कर दिए जी वालों, अभी वहां पे रह सकते थे, इनको पास थी, नहीं जल्दी रश नहीं करना चाहिए था। बाय द वे अब तो जो होना था सो हो गया। यहाँ पे M24 वाला स्क्वाड बहुत अच्छा इस टाइम खेलते हुए, अब यहाँ पे ये फंस चुके हैं, इनको निकलना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो सकता है। गाड़ी भी इन्होंने गाड़ी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता। वाइटी ने नाउ डाउन कर दिया है, न्यू वाइटी कर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, और दानी को नेट से डाउन कर दिया। इनको दूर से शॉट पड़ी है, तो मैं भी रश नहीं होगा। यहाँ पे गाड़ी ले राउंड कर दिया भाई साहब, यहाँ पे गेम बड़ी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नस और साइको यहाँ पे रश करते M24 के ऊपर, दो बंदे उनके डाउन थे।
आई थिंक दोनों रिवाइव हो गए, लेकिन बहुत जबरदस्त मोली की यहाँ पे एचपी लिटरली 1 एचपी, बहुत प्यारी फील्डिंग लगाई है यहाँ पे। यहाँ पे जी साइको को डाउन करके रश करेंगे यहाँ पे, और दो डाउन हो चुके हैं इनके, वो 1 HP बचे हैं एजी। और यहाँ पे एज खत्म, एजी का क्लैन यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे गाड़ियाँ अब रोटेट करती हुई, अब इनकी भागड़ भाग और भागम भाग लगेगी यहाँ पे। हर कोई जोन की तरफ रोटेशन करता हुआ, और मेंशन पे इस तरफ जोन कन्वर्ट हो रहा है, जो कि यशनाय पे हो रहा था। एस वाले जो कि मेंशन पे ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं, तो यहाँ पे इन कब्जा करने के लिए, और इसमें MES वाले ने जहाँ पे यहाँ पे भी जोन कन्वर्ट हो सकता है। अब ये अभी भी ऑलरेडी 3 स्क्वाड जोन से बाहर है, बटन गाइस यहाँ पे DP को फायर कर देते हुए मेन बिल्डिंग की तरफ, यहाँ पे स्पोर्ट किया है मोर्टल को, मोर्टल लेटे हुए हैं, बट रिज का आई थिंक ग्लिच का रिज का कवर है, तो यहाँ पे वो डैमेज नहीं खा पाएंगे। भाई फायरिंग करते हैं, तो गाइज ये जो टूर्नामेंट हम करा रहे हैं ये गेम लूप की तरफ से है। लूप कप जो ये पहला दिन है आज, और दूसरे ग्रुप का दूसरा पहला मैच है, सबको पहला पहला मैच दिया जा रहा है। तो लिंक दिया हुआ है गेम लूप का, आप सब लोग डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, गेम लूप ज्वाइन करें। और बहुत प्यारा OP यार, बहुत OP, मतलब के ग्राफिक सिस्टम बहुत प्यारा करे कम है, क्या बात है डेविल वेल। मेरा नहीं ख्याल के इस टाइम पे कोई फाइट करना चाहेगा, क्योंकि अभी जोन जोन कटने वाला है, जोन कटेगा इसके बाद ही फाइटें शुरू होगी, क्योंकि हर किसी को पता होगा कि हमने जोन में जाना, स्टेशन लेनी चाहिए। टैप से फायर करके एक दूसरे को जांचा जा रहा है कि वो कहां पे, यहाँ पे WR वाले जो कि बहुत अच्छा खेला, इन्होंने पिछला स्क्वाड फिनिश किया था, टीम वर्क बहुत अच्छा है इनका, तो इन्होंने अभी जगह ले ली है एक। गाइस ये जोन शेल्टर की तरफ बन गया है जोन, जो कि अब सबको रोटेशन है, सिर्फ 2 टीमें जोन के अंदर हैं, बाकी सबको जोन के अंदर रोटेट करना पड़ेगा। WR के ऊपर और INF के ऊपर जोन बन चुका है, और ये अब सबको जोन की तरफ रोटेट मारना पड़ेगा, और ये पता है सबको जोन में जाना पड़ेगा। तो और काफी ओपन सर्कल है, रिजिज हैं, तो फाइट देखने का भी काफी मजा आएगा। ओके तो यहाँ पे हर कोई गाड़ियां लेके जोन की तरफ,
यहाँ पे अभी तक जो हमें ओवरऑल देखने को मिलता है, हमें WRC YT के 2 किल हैं, बादशाह के 1 किल है, एम्पीरियर का 1 किल है, बाकी दोनों का 1 किल है, पंकी के 3 किल हैं। उसके बाद हमें जो है एजी कैप्टन का 1 किल था, साइको का 2, इसका 1 किल था। यहाँ पे फिलहाल सिचुएशन ये जा रही है। तो यहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी और इनको ये आइडिया हो चुका, तो गाड़ियों को कवर कवर बना रहे हैं हर तरफ से रोकने के लिए। बहुत अच्छा स्प्रे देते हुए यहाँ N4 M24 आप इनकी, और बहुत प्यारा स्प्रे और पंगी की तरफ से N84 को डाउन किया गया यहाँ पे। बहुत प्यारा अभी हमले में पंगी को डाउन कर, वालेकुम अस्सलाम। नहीं ब्रो, रजिस्ट्रेशन फिनिश हो चुके हैं 2 दिन। रजिस्ट्रेशन जो है फिनिश हो, टूर्नामेंट हमारा, तब हम गेम लूप से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा ऐसे टूर्नामेंट किया जाए। हमें क्या करना होगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में गए हुए लिंक को, गेम लूप को सर्वर को ज्वाइन करना पड़ेगा, गेम लूप के एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेम लूप का फेसबुक ज्वाइन करना पड़ेगा, उनका चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हो सकेगा। तो ये हमारा टूर्नामेंट है, स्पॉन्सर्ड बाई गेम लूप है। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ज्वाइन करूं ब्रो, ये है ब्रो अब नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन गाइस। गाइस
फिल्टर में यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे गेम का मजा है यहाँ पे जो जो कर दिया है यहाँ तो सब फाइट हो रही है यहाँ पे नो लाइव्स हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कैसे कैसे अपने आप को सरवाइव करता है। M24 के लोग पंगी फिनिश हो चुके हैं जो कि तीन किल के साथ थे। M24 वाले सेल्टर का रीच किलते हुए यहाँ पे टैग ब्रांड दो बंदे इनके फिनिश हो चुके हैं, दो बंदे बचे हुए हैं। ये टैग की और M24 वाले क्लोजिंग कर रहे हैं टैग वालों पे। और वैस ने साउंड ले लिया आई थिंक, और ये वैस ओपन में लूट करते हुए यहाँ पे टैग ने उसको कर लिया था स्पॉट और यहाँ पे फिनिश दे दिया गया है। टैग ब्रांड ने वैस को फिनिश कर दिया है। भाई हर तरफ इतनी भसड़ भसड़ क्या ही बात है भाई। फिलहाल जो जोन में टीमें नहीं हैं उनको जोन में जाने की ज़रूरत है क्योंकि जोन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो है ओवरव्यू ही चल सकता है क्योंकि जितनी टीम बच गई हैं ये जब जोन में रोटेशन मारेंगी और इनकी फाइट होंगी। यहाँ पे WR जो है जोन के अंदर अभी तक का एक टीममेट डाउन हो चुका है, एक टीममेट जोन के अंदर जा रहा है पहुंच चुका है। यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा इनको लेकिन गाड़ियों के रश हो रहे हैं तो राइट से पड़ेगी क्योंकि राइट से बंदे इनके क्लोज थे। आउट ऑफ जोन हिट लगा के पोजीशन निकालने के हैं, निकाल रहे हैं आउट ऑफ जोन लगा के और जो कि काफी अच्छी है। और यहाँ पे वैसे तो फोर में डाउन फोर डाउन हो चुके हैं और ओवाईटी की तरफ से टैग वेलचुर ने हम तो फिर दानी को डाउन कर दिया है। टैग की वजह से यार कोवाइट ने सामा को फिनिश कर दिया है। जी ए बी एस मोहित डाउन हो चुके हैं यहाँ पे और बी एस का यहाँ पे स्क्वाड फिनिश वार की तरफ। यहाँ से M24 भी हमें नॉमिनेट होती नजर आएंगी।
इस बॉटल को कर लिया स्पॉट और ये भी फिनिश हो यहाँ पे। गाइस हमारे पीके गालिब जो है कि आउट ऑफ जोन पोजीशन निकाल रहे हैं और के साथ ये हैं जो अभी तक जोन आउट ऑफ जोन पोजीशन निकाल रहे हैं। भाई क्या ही कतेज है, हिट लगाएं और जोन में पोजीशन बचाएं। और यहाँ पे किल मिल गया है डब्ल्यू आर वालों को। यहाँ पे वी के गालिब ने काफ़ी अच्छा दिमाग लड़ाया, साथ भी नहीं कहा मजे कमेंट्री। अच्छा सही बात है यार भाई, इतनी भसड़ है कहाँ कहाँ कमेंट्री ऊपर से ट्रैक ही तो मजा है। डिस्कॉर्ड यस यू कैन ज्वाइन डिस्कॉर्ड यस यार। साथ भाई मैं सवेरे तक उठा आज गुर्दे तकलीफ थी, अर्जेंसी चो आया मैं। यहाँ पे टैग के दो बंदे बचे हुए हैं, आई एन एफ के बंदे बचे हुए हैं, डब्ल्यू आर जो कि अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और यहाँ पे नेट से आए और यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं ये लोग। आखिरी बंदा इनका किट लगाएगा अभी, जर्सी वाइट जगह के बचे हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी फाड़ना मुझे, इन्होंने गाड़ी यहाँ पे क्यों फाड़ी, क्योंकि गाड़ी से ये जा सकते थे। यहाँ पे जी 3 vs 2 vs 1 है, देखते हैं जी आई एन एफ जर्सी कब तक किट्स लगा सकते हैं। और जोन से बाहर है ये, काफी अच्छा रिज है यहाँ पे, बहुत प्यारा रिज है। आई एन एफ चर्सी अभी तक किट्टे लगा रहे हैं, आई एन एफ चर्सी अभी तक किट्टे लगा रहे हैं। वो ये बहुत अमेजिंग है कि अभी तक वो किट्टे लगा रहे हैं। 2 vs 3 की यहाँ पे फाइट है और यहाँ पे बहुत प्यारा डाउन करने की ट्राई की गई है, लेकिन दोनों को ही है। बहुत अच्छा स्प्रे मिला यहाँ पे, आई एन एफ चर्सी यहाँ पे फिनिश हो गए आखिरकार। और यहाँ पे टैग वाले डाउन है, यहाँ पे डब्ल्यू आर वाले याद करते हैं और ये डब्ल्यू आर वाले किल निकाल गए। और यहाँ पे चिकन भी डब्ल्यू आर वालों की तरफ किया जाता है। और गाइस ये देखिए पॉइंट टेबल जो है, 7 kills 3 kills 10 and 15 kills यहाँ पे डब्ल्यू आर वालों ने बहुत ओपी खेला। उसके बाद जो है टैग ब्रांड यहाँ पे इनका टोटल किल होता है 7 kills जो कि बहुत अच्छा, आई एन एफ के 0 kills बाद में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा रूम फिनिश होता है। यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए और M24 जो कि 8वीं पोजीशन पे है बट 3, 6, 8, 9 kills निकाल के बहुत अच्छी पोजीशन बना ली होगा टोटल पे, अपना नाम दिखा दिया इन्होंने। उसके बाद जी 0-0, उसके बाद एज जो कि 4 kills के साथ हैं, 11वीं पोजीशन पे हैं। काफ़ी अच्छा खेला डब्ल्यू आर वालों ने यार, उन्होंने पोजीशन भी स्टार्ट में बहुत अच्छा खेला, उन्होंने जो उनकी टीम वर्क था वो उन्होंने टीम वर्क को अपना कैरी किया कि भाई उन्होंने अपना टीम जो पोजीशन निकालनी है उन्होंने। मुनीब भाई यस प्लीज़, आपको डिस्कॉर्ड गेम लूप का डिस्कॉर्ड तो चल रहा होगा, मुझे भी मैं देख लिंक नहीं चल रहा है मेरी स्ट्रीम पर, मैंने जो तुमने दिए मैंने उठा के डाले वगैरह नहीं चल रहे, डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे ना, मैंने डाले तो कह रहे चल नहीं रहे यार। काफ़ी अच्छी गेम खेली डब्ल्यू आर वालों को, माइंड सेट देखा था मुझे, तो उनके पीछे एक टीम आ रही थी वो जहाँ पे हम पॉइंट है ना, एक साइड पुचिंकी पे जाती है और एक साइड मेंशन की तरफ जाती है और एक साइड इधर प्रीमोस्क से आती है, मिलिट्री बेस से आती है, ओके
वहां पे गाड़ी इनके पीछे आ रही थी, दो बंदे सामने खड़ गए, एक लेफ्ट रिज पे खड़ गए, एक राइट रिज, भाई चारों तरफ से घेर गए। वो मेरी वाली वीडियो भी चला सकते, दोनों चला सकते हैं मिस्टर। अभी जो तेरे जो अभी तूने लास्ट टाइम मुझे दिया ना, वो मैंने लगाई हुई है, अभी मेरे उस पर कैमरा लगाया हुआ मैंने, और साथ वो लगाई हुई है। चलो वो लगा लेते हैं, वो हमारा क्या काम है। मैं कह रहा हूँ दोनों लगा सकते हैं, दोनों कैसे लग सकते कर सकते हैं। तो बैठ के बस चेंज करना पड़ेगा तुझे, मसला नहीं है। तो हम ये करते हैं, we are presenting the loop cup championship which is officially sponsored by the game loop and organized by the emirates and m24 esports। so guys, for what you are waiting for? An epic tournament, get your squad ready and conquer your rivals। We are presenting the Loop Cup Championship which is officially sponsored by the game and organized by the Emulator Gaming Community and M24 Esports। So guys, for what you are waiting? For an epic tournament, get your squad ready and conquer your rivals। बहुत जल्द मिल जाएगा यहाँ पे अभी जो। We are presenting the Loop Cup Championship which is officially sponsored। नहीं इसको ना लगा, अपना कैमरा छोटा कर थोड़ा, कैमरा छोटा करूं। ओके बताइयो, स्ट्रीम देख रहे हैं ना, बता दियो मुझे कितना छोटा करूं, जितना नॉर्मली मैं लगाता हूं स्ट्रीम पे उतना काफी नहीं है? छोटा कर और उसको बराबर करके अपने कैमरे के साथ ऊपर लगा ले, बल्कि कैमरे से ऊपर लगा दूं। और असल में अभी मुझे भी बहुत चल रहा था ना, वीडियो चल रही थी ना, मैंने इसलिए ये करके लगाया हुआ कैमरा। लव्स ना कटें, लव्स ना कटें, ये देख नहीं कट रहे। और छोटा कर लो, मैं तो कहता हूं ना बेटर लग रहा, एडजस्ट कर लेना, मेरे तो स्टीम डिले है थोड़ी। ओके ओके, वो हो गया, वो हो गया, वो जो कह रहा ना वो के लव्स कोई नहीं कट रहा, मैंने देख लिया। अगर इसको क्रॉप कर सकते हैं तो इसको छोटा करके इधर, ये देख रहा राइट साइड पे लगा ले अपने कैमरे के सज्जे हाथ के नीचे, कैमरे के साथ नहीं, कैमरे के साथ नीचे ही गेम लूप जो आ रहा है ना, इसको बिल्कुल छोटा क्रॉप कर ले बिल्कुल बॉक्स में एक किस्म का। अच्छा अच्छा सही है, और अपने कैमरे के सज्जे हाथ पे लगा ले नीचे करके, उधर भी हैवी बन जाएगा ये। या बिल्कुल अपने कैमरे के बिल्कुल साथ लगा ले गेम लूप, बिल्कुल इतना बस, पूरा गेम लूप को क्रॉप कर ले सेटों से। हाँ वो हो गया, और इसको थोड़ा बड़ा करूँ ताकि थोड़ा अच्छा भी डिले है स्ट्रीम तो ना। मैं कर रहा हूँ ना, देखिए ये मुझे ये आइडिया आया, मैं इसको ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। पाँच से दस इसको बड़ा कर ले थोड़ा सा, ये बराबर कर अपने, कर लिया बड़ा कर लिया मैंने। जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, ये हमारा गेम, मुझे भी ये लूप कब कट रहा है खड़, मुझे वो फिर वो थोड़ा सा कैमरा एंगल छोटे करता हूँ मैं। सही है, लेकिन मुझे भी दोनों को छोटा कर ले थोड़ा, छोटा कर लो वो, क्योंकि लूप कप लिखा हुआ रहा ना वो कट रहा है अब। हाँ अब ठीक है, हम बताते चले, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ये गेम लूप की तरफ से हो रहा है, वो स्पॉन्सर कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे टूर्नामेंट और हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे गेम लूप के डिस्कॉर्ड का, गेम लूप के पेज का, गेम लूप के चैनल का, एवरीथिंग का, वहाँ पे आप वेबसाइट का आपको लिंक दिया लिया, तो आप सब जाके ज्वाइन कर लो, कोई आपके पैसे नहीं लगने, बहुत ज्यादा इनाम है यहाँ पे। मैंने भी इन गेम पे यही रखूँ कैमरा, यही रखूँ फिर?
या इन गेम पे भी ना लगा लेता हूँ मैं साथ में ना, ये तो मैंने लगाया हुआ है ना बेटिंग पे, इन गेम पे भी तो वो लगे हुए ना, तो मैं इसको लगा लेता हूँ, सेम ऐसा लगा लेते हैं। हाँ नकवी आ गया गेम में, आ गया मेरे। एक मिनट नकवी भाई, एक मिनट। हेलो डब्लो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नकवी? मैं शाम को आया ऑनलाइन, उस टाइम ऑनलाइन नहीं था। जानी जानी ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, बंदा मानता ही नहीं है यार। वो ना नकवी, असल में ना मेरे ना गुर्दे का मसला हो गया था, पेन हो गया था मुझे एकदम, तो इमरजेंसी था, मैं 7 बजे आया हूँ मैं, तो अभी तबीयत तो, हाँ अभी तबीयत, मुझे मुनीब भी कह रहा, मुनीब भी बैठा डिस्कॉर्ड में, मुझे नाराज़ हो रहा था। मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार मेरे साथ ये मसला हुआ, मैं थोड़ी खुशी से थोड़ी ना आया हूँ, नहीं आया तो कहते चल सही है। फिर मैं पहला रूम स्टार्ट था, आधे बंदे थे, मैं बंदे ख़त्म हो गए थे जब मैं आया था। तो लोगों क्यों नहीं लगाया आपने अभी तक? लगा लिया आपने अभी लोगों? लगा दिया हुआ है मैंने, मुझे दो सेंड किए उसने, वो दोनों साइड पे लगा दिए मैंने, पर स्टार्ट जिस तरह सोचा था ना उस तरह हुआ नहीं ना, वो सारा सीन खराब हो गया। क्यों वाला सीन कर लेते ना तो चलो कुछ अच्छी तरह रिस्पेक्टेड हो जाता। आज मैं तो बैठा हूं, मैं तो कर रहा हूं स्ट्रीम, मैंने ये रूम भी किया, मैंने स्ट्रीम में तो कर रहा हूं, पर अभी वो वाला सेटअप करने में टाइम लगता है ना, वो पहले से रेडी हो तो वो सारा सीन बनता है ना, वो सेटअप पहले से रेडी नहीं होगा तो फिर तो उसका कोई सीन नहीं है। कोई ना, वो मसला नहीं है, साथ बैठ के कमेंट मुनीब के, मुनीब मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हूँ, मुनीब गेम लूप वाले लूप कप के उधर बैठा हूँ मैं, ठीक है लूप कप पे ही बैठा हूँ उधर, और वहाँ पे वो भी चल मैनेजमेंट पे आ जाओ, आपको 9 बजे का पड़ा हुआ, मुनीब भी बैठा है, वो रोल दे देगा या ड्रैग कर देगा आपको मैनेजमेंट पे। तो गाइस माइक किधर से ऑफ कर लियो गेम में से, मैं कर दिया मनीप, कोई हाल नहीं है। तू कमेंट्री क्यों नहीं कर रहा था ना कभी? कल्ला बंदा क्या कमेंट्री करूंगा यार, मैं यकीन, मेरे घर वाले पता क्या कहते हैं, तू इतना दर्द से चीख समझ रहे पेमेंट आई, मैंने वो पेमेंट इन्फ्लुएंसर में अभी पोस्ट नहीं हुआ, पिन कर दियो, पोस्ट कर दियो, उठा लेते हैं वहां से। मैंने बोला, मैंने कहा पैसे आए ना, वो मैंने आईडी गाड़ी नहीं बेची फैन, तो मैंने बोला मैंने ओके आईडी पासवर्ड आ चुके एक बकरा बना, ठीक है उसको मारने के लिए आया, उसको पूरी टीम को पकड़ लिया उन्होंने। एक मिनट गाइस, मैं आईडी पासवर्ड लगा लूं, पिज़्ज़ा लेफ्ट ही लेफ्ट है, एक सेकंड रुको मैं आईडी पासवर्ड लिख लूं यहां पे। पिज़्ज़ा अगर आपको ये लिफ्ट नहीं देते आप कोई नहीं, YouTube पे डायबलो गेमिंग सर्च करें, आपको लिफ्ट ही लिफ्ट मिलेगी। हां उधर से लिफ्ट बन गई, चला दो इधर ये डिस्कॉर्ड। थर्ड रूम हमारा सेकंड है, बट ये दुआ करो, कह रहे हैं पथरी का सीन लग रहा है, लेकिन दुआ करो कि ऑपरेट के बिना ही आ जाए। तब ना साइड पे था ना किंडी पे मसला, जब फिर वो हुआ ना क्या कहते हैं, मतलब घर आया फिर वॉशरूम हुआ, फिर वो ना मतलब नीचे आ गया था, खाना कहते हैं आफ कहते हैं, वहाँ पे हो गया था। एक मैं डॉक्टर के पास गया ना, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब ये है कि आपकी पथरी काफ़ी हद तक यहाँ पे आ गया, निकलने के एंड पे ही है, बस पानी ज़्यादा पियो।
ओके पहला जो सेकंड सेकंड रूम बना था ना डेब्लो, उसमें काफी अच्छी टीम थी। लेट्स सी ये वाले में क्या सीन बनता है इस रूम में। नहीं सेकंड अच्छा भाई खेला था जो पहले मैच के जो विनर। वो था एमवीके वालों ने भी बहुत अच्छा खेला है, काफी अच्छे गिल्स के साथ ना चिकन निकला, क्योंकि आईएनएफ वालों का पिछले मैच में सिर्फ 0 गिल था भाई। सेकंड लाइनअप था आई थिंक, इनके दोस्त दो रजिस्टर्ड है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस, मेक श्योर ये लाइक आपकी एंड मेन आईडी? यस इट्स माय मेन आईडी भाई, इसके अलावा और कोई आईडी नहीं है। फिजा प्लीज शेयर द स्ट्रीम काइंडली। ओके यहाँ पे काफी सारी टीम आनी स्टार्ट हो गई है, 10 मिनट में रूम स्टार्ट हो जाएगा गाइस। सो लेट्स सी एजी अगेन, एजी का एक आज लाइनअप मुझे है यकीन नहीं इसमें था आने लेकिन वाला है अच्छा एमटू फोर में। नाइस, वाले अच्छा खेल गए हैं। एमटू4 वालों के पास मेरे ख्याल से 4 किल थे या तीन से बहुत। आठ नौ किल थे, 8-1-9। हाँ दिपले वैल यार, वहाँ पे एक अच्छी पॉइंट निकाली है इन लोगों ने हाँ ना यश नया वाले एजी वालों के साथ। यस एजी वालों के साथ अच्छी पॉइंट निकाली है वहाँ पे। यहाँ इनके पास जगह थी, पोजीशन थी। आई थिंक ये इनका मेन लाइनअप है एजी वालों का। एजी सफ्तेन, काका, पॉपटा, गेमिंग बाइटी, हाँ ये मेन होगा। ये मेन यप। तो ये मेन लाइनअप है इनका। नाइस मजा आएगा इनका देखने के, इनका मैच दिखने में अच्छा। इन काफी लोगों ने एक टैग नहीं रखा हुआ तो आई डोंट नो ये पिक्चर गाइस बताओ किसकी है। D7 क्रिप्टो की पिक्चर देख डब्लो, मजे की पिक्चर है। टीम नंबर 19 Player 2। यार ये छोड़ो मेरे साथ, कौन सी टीम है? टीम नंबर 19 D7 पिक्चर Player 2 उसकी पिक्चर। 19 9 नहीं 19 है मामा। 19 ही बोला भाई मैंने। ओके AWG नाइस, बेस्ट वालों की भी एक यहाँ स्क्वाड पे अगेन है इसमें। ब्लैक 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 और एफ गेमिंग वाइट टी। ब्लैक भाई सारे कॉन्करर प्लेयर, मजा आएगा इनका मैच देखने में। लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग। यहाँ पे मुझे जो है ना ये लग रहा है कि या ये जो रूम है ना पिछले रूम से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। पिछला रूम बहुत अच्छा हुआ है। मैं जिन टीम्स को मैं जानता हूँ ना, जैसे एजी वाले हो गए बहुत अच्छे खेलेंगे, क्योंकि मेन लाइनअप है उनका, वो बहुत ईडब्ल्यू अच्छा वाले भी खेल रहे अच्छा हैं। खेलते हैं, D7 के भी मैंने अच्छे हैं कभी लड़के। गेम प्ले नहीं देखा। D7 अच्छा खेलेगा, बिल्कुल हाँ खेलेंगे वो मेन लोग। नहीं है, मेन लाइनअप नहीं है, लाइट है आई थिंक, उसमें लेकिन तो अच्छा। रोमियो वगैरह होता है ना वो। एक का भी अच्छे लग रहे हैं लड़के। ब्लेड वाले भी नो डाउट, ब्लेड मारियो बच्चा है लेकिन बहुत अच्छी गेम खेलता है ये। PES तहा ये लोग तो खुद आए हुए हैं तो बस क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पे INF का भी मेन लाइनअप आई थिंक आ रहा है, ये वाला INF मानी आ गया है इनका। ये मेन है इनका, मेन लाइन अप है हाँ इनका। मानी मेन में होता है, INF ग्रम्पी मानी काफी अच्छा खेल रहे हैं। आपने देखा ही नहीं फिजा, मैं इधर बिजी था ना, इसमें लगा हुआ था, एक इंटरनेट का बहुत मसला बना हुआ है। यार मेरा भी बहुत मसला बना हुआ है, फाइबर पे स्ट्रीम ही नहीं चल रही है। मैंने अभी वो किया, मोबाइल डाटा लगाया हुआ है। सही सही सही। यार अक्सर एकदम मेरी सप्लाई आवाज देने लग गई। परसों जाता हूँ चेक, मैंने कहा इतना अच्छा सेटअप बन गया उनका अभी। रूम वैसे सही जा रहे हैं, इशू नहीं हुआ इतना उसका। अब पिंक का पिंक का एमएस नो इशू, नो इशू। असल में बहुत अच्छी एक गेम हमें 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 हम कमेंट्री में थोड़ा जो ऊपर नीचे थोड़ा लूज हो जाते हैं ना, वो इस वजह से हो जाते हैं कि जो हमारा पास जो है ना वो नहीं है कि क्योंकि अक्सर जो रूम हमें मिलते, जो रूम अक्सर सस्पेक्टेट हो रहे होते हैं, कमेंट्री हो रही होती है, आप वो देखते हैं ना मेन के जो होते हैं, वो ये होता है कि स्ट्रीमिंग कोई और कर रहे होते हैं, सस्पेक्टेट कोई और कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम सस्पेक्टेड पे या उस पर बैठ के ना सिर्फ कमेंट्री कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं है कि चेंज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक उनका होता है कि ऑटोमेटिक जहाँ पे फाइट हो रही है वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है वो कैमरा व्यू, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। ये आपने कभी गौर किया कि आपने देखा होगा कि जब मैंने पी भी एम पी वगैरह में कुकड़ू चल रहा हो, कुकड़ू करना है अदनान भाई, आपको कुकड़ू कराते हैं। आपने देखा होगा PMPL में, देख लो कहीं भी देख लो, एक एक किल कर रहा है, एक फाइट हो रही है, वो हम तो पूरी फाइट उसकी दिखाते हैं कि इसने ये देखो नॉक फिनिश और दूसरे पे फाइट ले रहा है, लेकिन अगला कोई और फिन तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है उस पर। तो ये इनका मतलब कोई सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से ना ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से ये बड़ा प्यारा सीन है।
अच्छा डीजी का क्लैन भी अच्छा लग रहा है मेरे को टीम में 25 R2H ये भी अच्छा खेलते हैं इनके काफी दफा इनके साथ फाइट्स हुई हुई हैं लिविक में R2H ओके ये D7 का दोनों लाइनअप पिक्स एक ही ग्रुप में कहां पे हाँ ये क्या सीन है मजा आएगा ओके हाँ ये फाइट देखने वाली होगी ब्रो व्हाट इज द रिवार्ड फॉर दिस टूर्नामेंट ब्रो मेनी रिवार्ड्स फॉर दिस टूर्नामेंट ग्राफिक कार्ड्स यूसीज कीबोर्ड हेडफोन्स मेनी मोर सही बोली इंग्लिश खेल लेता वो ज्यादा इजी था एक्सपेक्टेड करना बहुत मुश्किल है भाई समझ नहीं आता कहां पे क्या बोलना है कहां पे किस टाइम पे किस बंदे पे लेके जाना असद भाई हमारे भी सुन लो जीजी अब्दुल भाई अभी आपकी ही सुनने के लिए बैठे हैं जब तक रूम स्टार्ट नहीं होता आप बोले आपकी ही सुनने के लिए रूम में जो है वहां पे पैड वगैरह उसके ऊपर बंदा बहुत इजीली हैंडल कर लेता है लेकिन माउस के साथ बहुत अभी जो है एजी वालों का भी एक और आ रहा है क्या जीजी जवाब बोले बोले सुहानी जी बोले मैं अभी हाँ गेम में जो है वो चैट नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये स्पॉन्सर ये जो है ना स्पॉन्सर वहाँ पे तवज्जो एक सिर्फ हमें रूम पर तवज्जो देनी 10K हाँ नहीं क्या चैनल ही सुहान जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब और गाइस हम फिर से बताते चले टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय M24 गेम लूप कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड बाय गेम लूप आया यार जरा इंग्लिश बोल के गाइस दिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय M24 एंड गेमिंग कम्युनिटी एंड स्पॉन्सर्ड बाय गेम लूप If you want to support us, to please go and join Game Loop Discord server, Game Loop page in the description. We put the link, everything about Game Loop in the description. You can go and check. Which is officially sponsored by VM, LIT, INF, AG, MK. We are in group G in 10th and 21st. Oh, nice. Thank you. Welcome. Good luck for your matches. We are presenting the Loop Cup Champions, which is officially sponsored by the Game Loop and organized by the Emulator and M24 East. Hey, sare emulator wale ye mobile wale emulator only emulator. Emulator bhi sirf Game Loop ka. Koi aur emulator nahi allow. Yahan pe G61 bande ho chuke hain. कितने बंदे आएंगे कितने बंदे हैं इस टीम इस ग्रुप में 20 एक मिनट रुक जाओ इधर हैं ग्रुप सी में 19 टीम्स 19 टीम मतलब 20 80 76 ऑलमोस्ट 61 बंदा आया है सस्पेक्टेड वाला भी काउंट होते हैं नकवी नहीं हाँ शायद अच्छा मुझे ये लूप कप जो है जिस रूम बनाया हुआ ये क्रंकी है कौन है हाँ स्पेक्टेट के अंदर हमारा लूप कप हमारा लड़का है ठीक है एम टू फोर मुझे तुम खुद हो क्रंकी थर्ड नंबर पे अच्छा हाँ क्रंकी ये फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर बल्कि एंड के जीरो पबजी मोड ये स्ट्रेंज गेम लूप स्टार ओह नाइस Oh yeah, baby. And Loop Cup, जो है जो बंदा बना रहा है, he is also in PUBG and staff. Nice. तो रोम का पिंग भी इसलिए बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, डिले कुछ भी नहीं आ रहा है इसी वजह और को साहब कुछ मैनेज कर रहे हैं बैट. ये बहुत बड़ी बात. खुद की चुड़ैल असद ने ज्यादा किया अरे नहीं अब्दुल मैंने नहीं ज्यादा किया चैनल ही उसका
मोबाइल वालों का भी होगा, मैंने नाइट मोड से ब्रेकअप कर लिया है गाइस, रूम जस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ एक दो टीम्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है। हरी अप फॉर गो फॉर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब स्टार्ट होने में, सो जैसे ही रूम स्टार्ट होता है आप एक बहुत अच्छे मैच देखने को मिलेंगे, काफी अच्छी टीम्स है इसमें। D7 के दो लाइनअप, गिव मी 1 मिनट, आई प्लान है DG है, RX AG वालों के एक लाइनअप है, आई थिंक इट्स मेन लाइनअप ऑफ AG क्लैन, लेट्स सी ये कैसा खेलते हैं। INF वालों का भी शायद ये मेन लाइनअप है, INF वालों का ये मेन लाइनअप है, मुनीप पता होगा आपको कौन सा वाला, INF मानी वारलॉर्ड ग्रम्पी फ्यूरी ये लोग खेलते रहते हैं, अच्छा लाइनअप है। मेन लाइनअप है टीपो वाला ग्रुप ए में, हाँ सच वो टीपू का है, ठीक है ठीक है, वो खुद तो नहीं खेल रहा, वो तो स्पेक्टेटर है, सच उसकी टीम खेलेगी ना। ओके ही इज प्लेइंग, वी आर प्रेजेंटिंग द लूप कप चैंपियनशिप व्हिच इज ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय गाइस यार, इन लोगों की फाइट अगर होती है एजी वालों की, एजी क्लैन INF क्लैन D7, अगर इन तीनों की फाइट होती है आपस में तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ ये ना हो कि रूम के दरमियान में कॉल आ जाए ना, ये तो वैसे ही कर रहा हूँ मैं। Start in one, which is officially sponsored by the game and organized by the Emirates Community and M24 Esports. So guys, for what you are waiting for an epic tournament, get your squad ready and conquer your rivals. Maybe देखिए influencer. We are presenting the Loop Cup Championship. 1 minute. काफी अच्छी टीम है जैन यहाँ पे तो, हमें बहुत मुश्किल हो गई यहाँ पे कमेंट्री करने की और किस किस को देखें किस को ना देखें, क्योंकि सभी अच्छी टीमें हैं। छीना तेरे बाजू an epic tournament, get your squad ready and conquer your rivals. We are presenting the Loop Cup Championship, which is officially sponsored by the Game Loop. And here we go guys. Yes. कौन जीतेगा ये ग्रुप? मैं अभी से बताओ, मैं जीतूंगा क्योंकि आप देख लेना एंड तक जो होगा ना, मैं जिंदा रहूंगा, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। वो तो मैं भी जिंदा रहूंगा। कौन जीतेगा ये ग्रुप?
भाईजान आप, भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगर वो टीम ना जीती भाईजान मुनीब अपने बाल मुंडवाएगा। और बताओ बताओ टीम बताओ टीम। जो जीतने वाली टीम है वो है कि जो बंद जो टीम अच्छा खेलेगी। नहीं ना एक 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 टीम चूज तो करो ना, मजा आएगा ना। लेट्स सी वो टीम कैसा परफॉर्म करती है। चल पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एक टीम, उसके बाद आप कर लो यहां पे टीम नंबर टीम नंबर टीम नंबर। हाय टीम टीम नंबर 14 टीम नंबर 14 और 16 ख्वाहिशात है ना, मतलब जो मुझे लग रहा है टीम नंबर 3 ठीक है, और उसके हाँ और एक एक चूज करनी है। आपने तो ज्यादा आपने दो चूज की थी। नहीं नहीं 16 16 टीम नंबर और मेरे मैं मुझे जो लग रहा है वो टीम नंबर 3 है, देखते हैं क्या होता है। ओके टीम नंबर 3 एक अच्छा प्लेन है। लेट्स सी काफी राइट साइड पे सर्कल मैप के ये क्यूरी से मेल्टा पावर की तरफ से जा रहा है ना, ये मुझे पता है क्या मुझे क्या फील दे रहा है आपको पता है, मुझे ये फील दे रहा है कि मिलिट्री बेस जोन बनेगा। अगर ब्रिज फाइट ब्रिज कैंप की फाइट मिल गई तो क्या होगा फिर भाई, स्कैम होगा भाई, सही स्कैम होगा। और यहाँ तक और मुझे जो लग रहा है यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे जो भी टीम है इक्का दुक्का यहाँ पे रुकेगी सारी गाड़ी लेके, कमिश्की स्टेलबर सिवरनी शूटिंग रेंज जर्की जॉर्जपुल ऊपर कसन सिटी ये जाएंगे यशनाई जो मुझे लग रहा है। और ये INF का एक बंदा पानी में कूद रहा है, आई थिंक ये एक्स्ट्रा आ गया था तो वो पानी बहुत ही जाके किल हो रहा है। नाइस देखा नहीं था उसको किसी ने निकालने का, तो वो खुद ही किल हो रहा है तो ये भी बेस्ट है। और यहाँ पे नोबो में दो टीम उतरने की यहाँ पे फाइट हो सकती है। यहाँ पे घन ले की यार ट्विच टू पिच ये क्यों क्या नाम है स्ट्रीम साउंड आ रहा है अजीब तरह से बंद कर स्ट्रीम से साउंड। अच्छा मैं हाँ ओके ओके अब नहीं आएगा, असल में वो मीडिया फाइल लगाई थी तो उसका साउंड था, अब नहीं आएगा, अब चेक करिएगा। ओके लिपोको में फाइट होने लगी है रेब्लो वर्सेस टीम नंबर। ओके मैं एमजी को देख रहा हूं, टीम 10 को देख रहा हूं, आप अगेंस्ट टीम को देख सकते हैं, टीम 3 को जो कि मेरी टीम थी। ओके यहां पे डाउन कर दिया गया है, 3 ने एक नॉक किया है टीम नंबर 10 के नंबर। यहां पे घमासान युद्ध हो सकता है भाई, यहां पे बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। किसी ने भी यहां पे जल्दबाजी जिसने मैं आपको बताऊं यहां पे जिसने जल्दबाजी की ना मरने मारने वाली कहानी वो नहीं बचेगा। यहाँ पे किल रिवाइव किल कंफर्म करने के लिए उन्होंने नेड फेंका बट खुशकिस्मती से बच के। यहाँ पे मुझे मेरी बात सुनो यस नकवी, देखो एक ही टीम को कर लो ठीक है, नाम लो प्लेयर का, मेरी बात सुनो, प्लेयर का नाम लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा किसको स्पेक्टेट कर रहा है बंदा। फिर क्या करो देखो, जैसे कि अब मैं स्पेक्टेट कर रहा हूं बेस्ट आपको, बेस्ट आ यहां पर जो रोड पर भाग रहा है सही है समझ आ गया, इस बारे में क्या कहते हैं इस टीम के बारे में, बस फिर ऐसे बोल के चुप कर देना ताकि नकवी फिर वहां से बोलना स्टार्ट। ओके ओके फिर नकवी तुझे देगा डेवलप, भाई ये देखें इसको कैसे कर, फिर डेवलप बोलना चाहिए। ओके और यहां पे जो एमजी की टीम है वो यहां पे स्मोक करके रोड क्रॉस करने की ट्राई पे है, तो नकवी भाई आप कहते क्या कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। टीम नंबर 10 है ना जो काफी डिसएडवांटेज है उसके पास, क्योंकि एक साइड पे है बिल्कुल और उसके पास घर बहुत कम है, लूट लूट एरिया बहुत कम है उनके पास, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास कोई अच्छी लूट होगी इस टाइम पे।
और आप यहाँ पे देखो, आपकी टीम है जो नंबर टीम तीन जो है वो यहाँ पे घेरा डाल चुकी है, ये घेरा, हाँ ये घेरा डाल चुकी है। स्मोक 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 किया गया लेकिन क्रॉस एक बंदे ने भी नहीं। यहाँ पे हम, मैं देखना चाहूंगा बीएस दो जो है वो क्या करेंगे, अभी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये काफी डैमेज कर सकते हैं इनको, एमजी वालों को। एक अलग पोजीशन है इसके पास, जॉर्डी के पास बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ये नॉक निकाल सकता है यहाँ पे। अगर ये एक से दो नॉक निकाल लेता है तो टीम नंबर थ्री पुश कर सकती है इजीली, लेकिन टीम नंबर टेन का जो हर फन जो है मेरे ख्याल में ये कश्ती लेके भागने की ट्राई में लगा हुआ है, तो अगर पीछे से स्प्रे पड़ा कश्ती पे, नहीं कश्ती नहीं ले रहा, कश्ती का झांसा दे के निकल गया भाई, पानी से ये रोटेट करने की ट्राई कर रहा है। ओह नाइस, फन फ्यूरी जो है, और ये काफी अच्छी चीज है कि अगर यहाँ से अगर निकल जाता है तो काफी एडवांटेज दे सकता है टीम को। डब्लो सर्कल सर्कल बिल्कुल ही राइट पे है, और ये लोग अगर इधर ही बैठे रहते हैं ना तो कोई सीन नहीं है कि इनके ऊपर से सर्कल खत्म होने वाला है। अभी अगर दूसरा सर्कल इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर शिफ्ट ना हुआ तो, अगर ब्रिज की साइड का सर्कल बन गया तो फिर तो राइट साइड से निकलना पड़ेगा इनको, क्योंकि इस टाइम चार से पांच टीम है जो राइट साइड पे है सर्कल की। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये जो है मिलिट्री की तरफ से जोन बनेगा, मिलिट्री की तरफ से जोन बनेगा, बट आधा बने कोई अभी भी कोई पता नहीं है इसका जोन का कि वो कन्वर्ट कर दे। पिछले मैच में आपने देखा था कि कितनी दफा जोन कहां बनता बनता कहां कन्वर्ट हो गया था, तो ये बहुत अच्छा है। मैक भैया वेलकम आपका जी। यहाँ पे आई थिंक टीम थ्री के आदिल भाई ने सपोर्ट कर लिया था, टीम टेन के जो बंदा रोटेश कर रहा था इसलिए वो जरा पीछे फॉल बैक किया उन्होंने, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक फाइट किसी की भी इतनी अच्छी नहीं हुई, फाइट कोई भी ओके। R2H वाले भी रोटेशन दे रहे हैं मेरे ख्याल से, वो जाना चाह रहे हैं ब्रिज क्रॉस करेंगे अभी मेरे ख्याल से। जोर को अभी भी ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, ब्रिज को उन्होंने अभी क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अगर मिलिट्री में जो टीम है अगर वो उसके लिए वेट कर ले। LIT के लिए वो अभी तक मिलिट्री से भी बाहर स्कोन से लूट कर रहे हैं। I think R2H ने ना डिसाइड कर लिया रोटेशन देने का ना, दे आर नहीं वापस नोवो जा रहे भाई वो लोग, सही है अभी के लिए तो फिलहाल नेक्स्ट जोन के लिए वेट करेंगे, गाड़ी ढूंढने वो नेक्स्ट जोन के लिए वेट कर, क्रॉस करने लगे हैं ब्रिज, लेट्स सी कि ये किस साइड से क्रॉस करते हैं, पानी की तरफ से जाना चाहिए ये क्या सीन बना दें, क्योंकि इनको भी पता होगा कि एक टीम आगे वेट कर सकती है इनकी, ये हमेशा से खतरा बना रहता है। इनका एक एक ही बंदा इधर रुका है और बाकी दूसरी साइड से जा रहे हैं, नाइस जैसे गाड़ी देने गए हैं मे बी वो लोग। यप उन्होंने गाड़ी उठाई है डासिया, और इस टाइम जो है ना CW वाले जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे हैं, उन इस लिहाज से सेंटर पे जाता रहा तो ये काफी हद तक इजी कर पाएंगे। यहाँ पे एमजी शेरी ने डाउन कर दिया है बस आदिल को और फिनिश दे दिया है उसको, यहाँ पे अब ये टीम 10 जो है टीम 3 पर हैवी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक बंदा इन्होंने नॉक फिनिश दे दिया है और बाकी इनके बंदे अलग-अलग पोजीशन पे हैं। भाई ये जो नॉक दे दिया ना टॉक्सिक भाई का, बट मैच है जीतना है हर बंदे को, लेट्स सी। आई थिंक हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ना कि वो स्पॉट कर लिया इसलिए पीछे, शायद वो उसने स्पॉट नहीं किया था, शायद वो लूट करने के लिए पीछे आया होगा, क्योंकि अगर उसको स्पॉट होता तो वो कभी ओपन ना होता।
इनकी काफी लंबी फाइट चलेगी यहां पे, हां यहां पे क्योंकि जोन उन्होंने जोन देख लिया तो अब वो जरा फाइट लंबी करना चाहेंगे। यहां पे बेस्ताह को डाउन कर दिया, बहुत प्यारा, बेस्ताह को यहां पे डाउन कर दिया और बेस्ताह बहुत साइड पे अपनी टीम से, आई थिंक इनको बचाया जा सकता है। गाड़ी थी इन पर बाइक देने के लिए जाएंगे, जॉर्ड और अहमद हैं दोनों पास ही हैं इनके, ज्यादा दूर नहीं है। गाड़ी इनके पास बाइक थी, बाइक पे जाएंगे। लेकिन बाइक छोड़ दी क्योंकि एक टीममेट ऑलरेडी जा रहा है रिवाइव देने, तो वो कवर दे रहा है साइड से। ओके दोबारा यहाँ पे स्ट्रेट पुश आया इन दोनों पे क्योंकि उनको पता है कि एक हम लोग नॉक में दे चुके हैं, एक नॉक पड़ा है, इनके दो ही बंदे पॉजिटिव है अभी और एक और नॉक नहीं। सी डब्ल्यू के बंदे को डाउन कर दिया है ब्लैक ने, डी सेवन फेड को डाउन कर दिया है। यहाँ पे मेल्टा पे फाइट हो रही है, बहुत अच्छी फाइट हो रही है यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे सी डब्ल्यू मलिक वाइटी जो है वो डाउन है फिलहाल और यहाँ पे नेड किया जा रहा है और बहुत ओपी नेड, एक और बंदे को डाउन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बी एस फ्लैश ने ब्रश किया था जो कि यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, काफी तगड़ा भाई। डी सेवन किंग ने ब्लैक स्पाइडर को डाउन कर दिया है, यहाँ पे सी डब्ल्यू क्राउड ने वी एस ट्रेंड को डाउन कर दिया है। डी सेवन फेड नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे वी एस का लास्ट बंदा आई थिंक बचा हुआ है। यहाँ पे अपने टीममेट को मलिक को रिवाइव देंगे, यहाँ पे वी एस का लास्ट बंदा बचा हुआ है और यहाँ पे लास्ट बंदा स्मोक करके लेटा हुआ है। लकी भाई क्या लगता है आपको वीएस वाइपर जो है यहाँ पर रिवाइव हो पाएगा? वीएस वाइपर अकेला बचा हुआ है, वीएस वाइपर रह ही अकेला गया, उसके बाद भी फोर की फाइट है, 1v3 की फाइट है अभी इसके साथ। इस लेकिन इसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ओपन में है और इसको लेफ्ट राइट से पड़ रही है, बहुत मुश्किल है फाइट, बहुत मुश्किल है। वेट करो थोड़ा, एक बंदे की बात कंप्लीट होने दो। वाइपर वाइपर को टीम नंबर 5 के प्लेयर भी मार रहे हैं जो कि सपोर्टिव है, सपोर्ट कर चुके हैं उसको, लेकिन आई थिंक हल्की सी रेज है उसके सामने जिसकी वजह से वो अभी तक बचा हुआ है वहां पे, जबकि टीम नंबर 5 और टीम नंबर 17 दोनों इसके सामने हैं, अकेला है भाई, तीनों फिनिश हो चुके हैं। डब्ल्यू टीम नंबर 3 का क्या बना, जिंदा अभी। और यहां पे बहुत प्यारा नॉक निकाला वाइपर ने, नॉक भाई, व्हाट अ नॉक यार भाई। वाइपर जैसे भी खेल रहा है ना बहुत मुश्किल। टीम नंबर 17 का एक प्लेयर राइट पे भी है जो कि उसको होल्ड किया हुआ है उसने, करने की ट्राई कर रहा है लेकिन उसके पास वो हल्की सी भी और उसका कवर है सिर्फ ओनली। आई थिंक ये सी डब्ल्यू जो 999 है ये वाइपर को ले सकता था लेकिन अभी तक ये पोजीशन नहीं दे रहा अपनी। आई डोंट नो ये एएफके ना हो डीसी ना हो, अगर डीसी हो तो बहुत गलत हो जाएगा। और यहाँ पे वाइपर फिनिश हो गया है, तार 98 का एक शॉट पड़ा और ये भाई डीसी नहीं थे, लेटे हुए थे। और यहाँ पे हम देखेंगे ओके बेस्ट वाले भी रोटेशन देना स्टार्ट कर दी है, बेस्ट वाले निकल गए हैं वहाँ से, आपकी टीम नंबर 3 वहाँ से निकलने के लिए मतलब निकलने में कामयाब और है और टीम नंबर 10 ही बची है लिवरपूल में, तो वो वहाँ पे लूट कर रहे हैं और टीम नंबर 3 यहाँ से निकल चुकी है जो कि एक अच्छा फैसला है क्योंकि उनका एक बंदा लॉस हो चुका है पहले से, अगर वो यहाँ पे और फाइट लेते तो मे बी फिनिश हो जाते, अच्छा फैसला किया है यहाँ से। लेकिन मैप आप खोल के देखें, व्हाट अ मैप, देखो हर कोई बंदा रोटेशन ले रहा है, हर बंदा गाड़ी लेके चल रहा है, क्या ही फील आ रहा है। ओके एक D7 जो D7 की जो टीम है उसने आई थिंक ड्रॉप उठाया है और उसके पास ऑम है भाई, और ये कैमरा खुद ब खुद नंबर 3 पे क्यों शिफ्ट हो रहा है बार बार टीम नंबर 3 पे, टीम नंबर किधर गया ये देख के कैमरे को लगता है टीम नंबर 3 मेरी टीम है, वो मैंने सेलेक्ट की हुई है, प्यार हो गया डब्ल्यू की टीम से ना, हो गया
टीम नंबर 3 से प्यार हो गया और यहां पे टीम नंबर उसी के ऊपर जा रहा है पता नहीं क्यों भाई टीम नंबर 15 आरएक्स जो है आर2एच की टीम जो है टीम नंबर 24 आई थिंक वो भाई बहुत प्यारी जगह पे गई है अगर पानी की वजह से जोन बाहर ना कटा तो ये सेंटर में एग्जैक्ट एक ऐसी जगह पे है जहां पे मतलब कि इन पर रश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा दूर से ही स्नाइपर फाइट कर सकते हैं टीम नंबर 24 आई थिंक आरएक्स आरएस वाले आर2एच मेल्टा में है आप देखेंगे आप इनको देखेंगे चार एक ही घर है वन हाउस टाइप है चारों तरफ से ओपन है जिसको भी आना पड़ेगा इन पर रश करने के लिए ओपन में इनके सामने बेस की टीम भी मौजूद है और इनके जो है लेफ्ट साइड पे जो है सीडब्ल्यू की टीम है बिल्कुल जो भी इनके साथ फाइट करना चाहेगा भाई स्नाइपर से दूर से ही कर सकता है क्लोज रेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तीन ही घर क्या लगता है कि मेल्टा के अंदर जो है फाइट होने लगी है खतरनाक किस्म की ओके यहां पे फाइट हुई थी टीम नंबर 21 की इधर ने एक बंदे को नॉक फिनिश दिया यहां पे रोटेशन के दौरान टीम नंबर 25 इनके बिल्कुल सामने है सो एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं और फुल रश भाई इतना ओपन रश और एक बंदे को नॉक कर दिया गया टीम नंबर 25 के टीम नंबर 21 का रश किया गया है 3v3 फाइट 21 क्या खेल है उनका क्या रश किया रेवलो लेकिन यहाँ पे टीम नंबर के जो नंबर 2 है इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है देख रहे हैं रश हो रहा है नेड ओपन नहीं करना चाहिए था यहाँ पे कुक करने कुक नेड कुक के चक्कर में वो जो एडीएस से अपना किल ले सकते थे वो अब उल्टा किल दे बैठे 21 ने क्या फाइट निकाली है यहाँ पे गाड़ी से जो नॉक निकाला है ना वो क्या नॉक था उस बंदे ने गाड़ी में चलती गाड़ी में विंडो में से नॉक निकाला विकास लतीफ वेलकम लेकिन इसको रिवाइव मिल जाएगा और ये इसको रिवाइव क्यों नहीं कर रहे क्या हुआ और अपन भाई टीम नंबर 25 हमाद मर रहा हेलो रिवाइव भाई लोग और भाई फिनिश हो गया वो उसको किसी ने रिवाइव नहीं दिया ये क्या सीन है भाई हेलो जी आ रही यार इन्होंने रिवाइव नहीं दिया उसको ये तीनों बंदे अंदर लेटे हुए हैं क्यों भाई ये तो कुछ अजीब ही सीन हुआ है यहां पर रीएसएम में आए सबका इंटरनेट चला गया मे बी या क्या सीन हुआ है जो एक साथ बिल्कुल ही हमूर्ति हो गई है यहां पे जैसे यहां को पता था ही ना वही ना इतना अच्छा रश किया उसके बाद अपने प्लेयर को अगर यहां पे ये तीनों डिसिंग हो चुके हैं तीनों डिसिंग हुए हैं तो यहां पे एक ही सीन हो सकता है जो कि नंबर हमाद जो फिनिश हुए हैं वो बहुत ज्यादा दुआएं दे रहे होंगे यहाँ पे एजी काका ने डाउन कर दिया है यहाँ पे एजी काका ने स्नाइपर के साथ एजी माय टीम नाइस मैं भी ऐसा हो सकता है कि इनके किसी और टूर्नामेंट के रूम को ये एग्जिट कर गया हूं मे बी भाई इस तरह थोड़ी होगा नहीं यार इस तरह थोड़ी हो सकता है लेट्स सी क्या बाद में आप लोगों को पता चल ही जाएगा पूछ लेना आप लोग क्या सीन हुआ इनके साथ एजी काके के पास लूट अच्छी है M24 है विद 8x M4 लेवल 3 हेलमेट भाई क्या लूट है बंदे के पास होगी ही क्योंकि रूम में है लूट 3x लूट है रूम में ऑल भाई साहब गाड़ी माय फेवरेट मैकलेरन यहां पर चलाई जा रही है भाई ओके एजी गॉड रोटेशन दे रहे हैं ओजी वाले भी ओजी के सिर्फ दो ही बंदे अलाइव हैं एक और यहाँ देखो ना कि भाई जोन किस तरफ घूमा है यकदम घूमा कैसे है जोन के नखरे चेक करो गाइस अभी हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 52 बंदे लाइव हैं रोम में तो सब एक दफा जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो और फिर बताते चले कि ये जो रोम हम करवा रहे हैं गेम लूप की तरफ से स्पॉन्सर्ड है तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के गेम लूप के डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें फेसबुक इंस्टाग्राम आर ज्वाइन करें और साथ में अगर आप एमुलेटर है तो आप गेम लूप का एमुलेटर भी ज़रूर इंस्टॉल करिए ओके एक नॉक टीममेट को नंबर 17 इस टाइम नॉक पड़ा है और इसको नॉक किया किसने
वैसे अहमद भी नॉक है, D7 शाहिद भी नॉक है, D7 क्रिप्टो इज आल्सो नॉक, तो काफी सारे नॉक्स निकल रहे हैं क्योंकि अभी सर्कल काफी छोटा हो रहा है, रोटेशन के दौरान काफी सारे किल्स उठाने का चांस मिलेगा यहां पे टीम्स को। TW99 फिनिश हो चुका है यहां पे और D7 पे रश कर दिया है, टीम नंबर 15 ने रश कर दिया। D7 के दो फिनिश हो चुके हैं, एक लास्ट बंदा बचा है उनका निंजा, क्रिप्टो भी फिनिश हो गया, निंजा वर्सेस और इनको पीछे से पड़ रही है। इट्स 1v3 है, मे बी यस इट्स 1v3, टीम नंबर 15 बाय टीम नंबर, और निंजा को यहां पे नेड से निंजा ने फाड़ा और यहां पे निंजा डाउन हो चुके हैं टीम नंबर अनदर टीम के। निंजा क्या लगता है ब्लो, निंजा करेगा 1v3? 1v3 कर सकते हैं, कैंसर देके कर सकते हैं 1v3 यहां पे। कैंसर बन जाए तो ओपी सीन हो जाएगा वैसे ना, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले बच गए हैं, आप अकेले बच गए हैं और आपके सामने तीन बंदे, अगर आप रश भी करना चाहें तो आपको लेफ्ट राइट से पड़ेगी, तो बेहतर ये कि आप कैंसर बन जाएं। यहाँ पे D7 फेड प्ले जोन से गए, D7 का स्क्वाड प्ले जोन से गए, आई थिंक सो D7 वाले इस वजह से भी शायद उनका कोई मैच जोन लीव कर गए होंगे, एक हमारा और स्क्वाड है वो जगह बन जाएगी तो फिर बाद में कोई लाइन अप अच्छा खिला लेंगे उसमें अगर आगे पोजीशन बन गई तो, अभी तो पहले मैचेस हैं। यहाँ पे टीम नंबर 10 जो है हाई रिज लेगा, सेटल हो चुके हैं, टीम नंबर 10 हाई रिज पकड़ के बैठी, अगर वहां पे जोन बन गया तो ये तो किसी को नहीं छोड़ेंगे जिस तरह के ओपन बंदे आएंगे। सबसे अच्छी लोकेशन अभी इन्हीं के पास है, टीम नंबर 10 के पास ना, बस टीम नंबर 3 जिंदा है अभी, ये क्या सीन है उनका, टीम नंबर 3 यार, टीम नंबर जॉर्ड अहमद, टीम नंबर 16 भी जिंदा है अभी तक, डेवलो मजा आया इनकी फाइट हुई ना। टीम नंबर 3 बेस्ट जो और जो है जोड़ है अहमद और ताह, लाल दे बदाम हलाल करी। नकवी भाई आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है, नकवी भाई की टीम है ना एजी वाले, पॉपटार काका ये मेरे को पता है कि काफी अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे गोल्डन बॉय ने डाउन कर दिया है और प्रिजन के पास ड्रॉप पे अच्छी फाइट हो रही है LIT की और दूसरी टीम की, यहाँ पे रिवाइव दिए जा रहे हैं, एजी यहाँ पे फाइट कर रही है, हर तरफ भाई फाइट हो रही है। यहाँ पे ब्लेड का दो बंदे फिनिश हो चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने AWG को फिनिश कर दिया स्क्वाड उनका, यहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हुए, और यहाँ पे टीम नंबर 3 इन पर घात लगा के बैठे कि हल्का सा भी पीक दें ओपन है तो हम इनको जरा आड़े हाथों ले, चलो मैं आया है खाना, अजब अकाश खा लो आप खाना, आपको तो हमेशा भूखा रहता है, भूखे रहना पुत्रा। और ये क्या जोन वहां से रिच से भी कन्वर्ट हो गया डॉल, टीम नंबर 10 के लिए तो मुश्किल होगा क्योंकि वो जोन से बाहर हो चुके हैं तो उनको अब जोन में आना है, R2 है और टीम नंबर 10 जो है उन आपकी बात ठीक है 10, लेकिन उनके पास सामने घर है, अगर वो उनके साथ EOD वालों के साथ फाइट करके वो जगह ले लेती है तो उनके लिए काफी बेस्ट रह जाएगा, और लेकिन ये क्या इनके पीछे R2H वाले रोटेट कर रहा है इनके पीछे, सैंडविच क्या लगता है, बहुत अच्छा सैंडविच है अगर ये एग्जीक्यूट कर पाए ना इस टाइम पे, और MG वाले यहाँ पे नॉक फिनिश हो सकते हैं लेकिन उन्होंने रोटेशन दे चुके हैं R2H वाले, वो साइड से निकल गए, मेरा नहीं ख्याल इनकी अभी फाइट होगी क्योंकि अभी सब यही करेंगे कि जोन की एज पकड़ के बैठे क्योंकि जोन बनने वाला है इन फ्यू सेकेंड, तो जैसे ही जोन बनेगा तो दोबारा से रोटेशन स्टार्ट होंगी, उन रोटेशन में देखेंगे कौन सी टीम किससे फाइट लेती है क्योंकि एजी वाले अभी टीम काफ़ी कम है, बंदे ज़्यादा लाइव हैं, लेकिन लेट्स सी कि जब नेक्स्ट सर्कल बनता है
जो कि कुछ ही सेकंड में बनने वाला है, और ब्लैक मामा ब्लैक वालों का सिर्फ एक ही बंदा लाइव है जो बिल्कुल जोन कैच से होते हुए। ए जी काका ने यहां पे डाउन किया है एट। ए जी वालों सीके निकालना है भाई, टीम नंबर 16 फिर अगले रूम में। तो भाई सर्कल सर्कल क्या R2S वालों पे सारी टीम जोन से बाहर हैं, सिर्फ दो टीम है जो इस टाइम जोन में, एक OG और एक R2H। लेट्स सी ऊपर से टीम नंबर 10 को भी एसपी को भी लूट जाना है। और मजे का सर्कल बना है डब्ल्यू इस टाइम पे। आप अगर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 टीमें सर्कल के बाहर है, तीन टीम सर्कल के अंदर है और MG सर्कल के पास बैठी हुई है ऊपर को। लेट्स सी, लेकिन अगर आप यहाँ पे मैप ओपन करके देखें तो नक्यू यहाँ पे आपको मिलेगा ईओडी की तरफ से ब्लैक मंबा और एलआईटी पे फाइट हो रही है, वहाँ पे वहाँ से पॉप्टर पे, एजी वालों पे, एजी वालों से सीडब्ल्यू पे, मतलब एक किस्म का सर्कल लाइन चल रही है। ये फाइट देखने में मैप पे देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लिट वालों की और एजी वालों की फाइट हो रही है, और क्या नॉक निकाला है काका ने लिट अली को, और राफे वाईटी भी स्पॉटेड है। और अरे यार इसका कोई ना कोई सीन हुआ होगा, सामने बिल्कुल खड़ा हो गया उसके, और वो भी नॉक हो चुका है। आई थिंक गाड़ी निकालना चाहता था तो वहां पे वो स्टक हो गया होगा। यप, ये काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी इसके लिए, बंदे के लिए ना। ओके, इनके अभी 3 है, एक फिनिश कर दिया गया है राफे वाईटी को। सो एजी वालों के पास उनका पहला किल है अभी भाई, सही हो गया। नहीं, 2 किल है, एक पॉपटार के पास है, एक एजी काका के पास है। सो लेट्स सी, यहां पे आर्टच की फाइट हुई है, यहां पे आर्टच का एक बंदा डाउन है। ओ भाई इनकी फाइट होगी स्टार्ट, नाइस। आई डोंट नो इसको कहां से पड़ी होगी, आई थिंक INF से भी पड़ सकती है, नीचे से INF के साथ इनकी फाइट हुई होगी। INF वाले बहुत दूर हैं लो, इस टाइम इनके पास सिर्फ एक ही स्क्वाड है जो कि इनके 10 है, और यहां पे BS आ रही है पीछे से ओपन से, और INF वाले स्प्रे दे रहे हैं भाई, मुश्किल है तो सारा ओपन है आगे, और ये ओपन में गाड़ी लगा दी इन्होंने, मरेंगे। गलत कॉल, गलत कॉल। यप, एजी काका भी नॉक हो चुका है, टीम नंबर 16 देख। ये काका और एजी सफ्तान नॉक हो चुके हैं भाई, हेलो बचाओ एक दूसरे को। यहां सिप डब्ल्यू ने काफी टफ टाइम दिया एजी वालों को, यहां पे मेरे ख्याल में जो ताल थी इनके राइट पे बैठी हुई है ना, ये ताल थी बग्गी वाले की गलत, वो जोन में समझ के उसने बग्गी दरख पे ठोकी है बंद किल के चक्कर में, वहां पे फिनिश हो गए सारे। डब्ल्यू ये फाइट देखो, टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 16 मैच होगा, अगर ये दोनों उठ के इन चारों को फिनिश कर देते हैं यहां पे तो भाई साहब पूरी एजी की टीम फिनिश होती है यहां पे। अगर यहां पे एक अच्छा नेड भी पड़ जाए, तो पड़ रही है बहुत दूर से, INF वालों ने एक नॉक निकाल ली है। वहां पे एक एक डाउन है, INF वाले आई थिंक रश करेंगे, और एजी है वहां पे, देखते हैं कि क्या बनता है। INF वाले गाड़ी लेके स्टार्ट हो गए, 16 सेकंड पड़े थे अभी, लेकिन रोटेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और आई थिंक ये तीन जाके कवर दे रहा है आई थिंक, टीम को 16 बिल्कुल सामने थी। ग्रंपी डाउन हो चुके हैं INF के, मानी और फ्यूरी जो है पीछे से कवर दे। मनीब अगर इन्होंने पीछे से बैक टैप कर दिया ना, और ये चांस है इनके पास ना बिल्कुल, और यहां पे उजैफा को नॉक कर दिया गया है। ओहो, ये नहीं, ये देखने का सीन था, INF वारलॉर्ड ने INF ग्रंपी को कंधे पे उठा के स्मोक में ले आया कि भाई आप यहां पे आओ रिवाइव लो। यार व्हाट अ सीन, जी की अगेन दो नॉक है, और यहां पे नेड कराते हुए
मलिक वाइटी जस्ट इसके पास और बहुत प्यारा नेक वारडोर की तरफ से 11 फर्स्ट एड्स हैं मलिक वाइटी के पास डब्ल्यू जोन के बाहर टीम नंबर 17 ही इज डूइंग हीलिंग बैटल ब्रदर ये पीछे डैमेज दे सकता है एजी वालों को ये पीछे बहुत गंदा डैमेज देगा एजी वालों को उनको पता नहीं है कि अभी तक जोन के बाहर कोई हो सकता है बहुत छोटा सर्कल है और बंदे ज्यादा लाइन है सीडब्ल्यू मलिक अभी तक वो लगाते हुए आई थिंक जब रिट्रेशन लेने लगेंगे फिर एक कदर किसी को लेंगे ताकि इनको किल भी मिले हैं के पांच टीमें डब्ल्यो यहां पे एक R2H OG INF पॉपस्टार गेमिंग AG और जो मलिक माइटी था अभी उसको पता चला है कि सामने बंदे हैं लेकिन मलिक माइटी को फिनिश कर दिया जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि INF का भी अकेला बचा हुआ है डीजी वाले टफ टाइम दे रहे टीम नंबर 25 ने INF वालों को खत्म कर दिया और जी जेड ओजी ने फिनिश किया है यहां पे एजी सप्तन भी नॉक पड़ा है एजी ज़ेफा रिवाइव दे सकता है इजीली रिवाइव हो जाएगा यप रिवाइविंग दो टीम्स हैं लास्ट अब लग रहा है कि आपकी फेवरेट टीम यहां पे जीत जाएगी इट्स अ 3v2 सिचुएशन टीम नंबर 25 वर्सेस टीम नंबर 16 और 2v3 है ये बोला था ना ये जीतेंगे ये लेकिन देखो ना आपने दो टीम और आप टीम स्विच कर रहे थे लेकिन मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रहा आप ले लो यप टीम नंबर 16 वेल प्ले 4 and 5 8 9 9 किल के साथ क्या खेले मतलब अच्छा होल्ड किया इन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक और काफी टीम नंबर 2 भी काफी अच्छा खेली ओजी ने 5 किल है वो भी सिर्फ ज़िगॉर्ड के पास है 5 के 5 किल 5 नहीं 7 किल है सॉरी 20 के पास एक है और एक MHS के पास है काफी अच्छा खेली है ये टीम भी RX अच्छा सबसे ज्यादा बेहतरीन जो जोन था ना वो R2H के पास था स्टार्ट से लेके एंड तक लेकिन लास्ट मौके पे जोन जो नीचे को शिफ्ट हुआ है ना वो सिर्फ पैनिक हो गए वो एक बंदा उनका डाउन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश मैं राइट से लेफ्ट से फ्लैंक मार के उनको पकड़ लूंगा तो वो जब गाड़ी फटी ना उस पे वो डैमेज हुआ तो वहां पे काम खराब हो गया नॉक हुआ वहां पे पर काफी अच्छा मैच था नो डाउट INF की जो टीम है उनके पास किल इतने ज्यादा नहीं है 3 किल है सिर्फ टीम फोर्थ पोजीशन है टीम नंबर 5 के पास भी 3 किल हैं टीम नंबर 6 के पास भी 3 किल हैं टीम नंबर 7 के पास भी 3 किल हैं लेट के पास इनकी भी अच्छी फाइट थी ये जो एक ही बंदे ने 3 किल निकाले हैं अली ने और टीम नंबर 8 के पास भी 3 किल हैं टीम नंबर 9 के पास 6 किल हैं टीम नंबर 10 2 किल ओनली एक हाई किल गेम नहीं था ये वाला जिस तरह पिछला था पिछली वाली गेम में जो उन्होंने किल निकाले हैं ना जो पिछली गेम में जीता उनके काफी ज्यादा थे किल लेकिन एजी वाले अच्छा खेले हैं
या बेबी यू कैन सेट है मुनीप व्हाट यू से अबाउट मकबरा माता श्रीखा मकबरा गेम के ना टर्निंग पॉइंट दो है मेरी नज़र में जो टर्निंग पॉइंट है एक CH था या CW था जो पीछे हिल बैटिंग कर रहा था बैटल कर रहा था तो वो किल निकाल जाते AG वालों के वो निकाल जाते लेकिन उनको उसको जो उनको जो डाउन पड़ा है INF की तरफ से ना तो INF को आई थिंक कि ना उनका पता था AG का अगर AG का पता था तो वो जो स्नाइपर टावर में थे वॉच टावर में उनका नहीं पता था OG वाले को या DG वाले जो भी थे वजह से वो INF भी डाउन हो गए वो काफी मसला हो गया हाँ भाई जन मकबरा ना बनाइए बस M4 है ना Please don't kill me. रन क्यों नहीं हो रहा लेकिन एड किया मैंने क्या मैंने तो नहीं किया भाई लेवल 3 की कोई चीज नहीं लेनी पहले बोल रहा हूँ भाई मेरा पीसी इतना नहीं है मेरा नहीं नोब नहीं यू आर मकबरा कैसे पूरी पूरी बुलेट बचाई थी मैंने मेरा लैग हो रहा है यार मैं यकीन नहीं 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 मैं फाइबर पे नहीं खेल रहा मोबाइल डेटा पे खेल रहा हूँ ना भाई You know, I am playing like other old days, 120 plus वाली ping. अकबरा, यार मेरी health नहीं थी, मैं health तो कर रहा था, कसम से मैं health करने के लिए खड़ा हुआ था. मेरी हेल्थ नहीं थी ना कोई भाई मैं हेल्थ कर रहा था व्हाट आर यू डूइंग दर दर लग रहा मेरे किल ज्यादा और ऊपर से रूम आ जाए इज्जत बच जाए लेकिन भाई सीरियसली गेम वैसे तो गेम है मजाक नहीं लेकिन वाकई काफी लैग हो रहा है मेरा
अबे यार ये फंस गया मैं, नहीं फंस दे गया, फंस गया मैं जो वहां पे भाई। लेवल थ्री की चीजें क्यों ले रहा, मैंने पहले बोला नॉट अलाउड। हाँ नहीं पड़ी कमी ने ले ही हुई है तुमने, चल हट हट हट, गलती से हिल कर रहा था यार, पहले अभी बता दूं मैं। आई हैव अ स्विच गन ना, इसलिए तो दर्द मार रहा था। ओए हीलिंग ना करो कसम से, मेरी हाफ भी नहीं थी, मैं पीछे नहीं, भाई भाई मर्द पीछे नहीं भागते, मर्द पीछे नहीं भागते। भाई हेल्थ जब हो रही थी तब तो बैठना पड़ता है। बजिए इधर भागते हो, मैंने पहले पूछा था बजी है। उस टाइम नहीं बजी थी यार, यकीन मैंने फाइबर पे होता ना बताता। वन एच पी हील कर रहा हूँ, हील कर रहा हूँ मामा, दे तो दिया और कितनी। देखिए भाई आई हैव टू गन्स बट यू आर वन गन ना। ओए यार इन वन मेरी तरफ चार हेड लग गया, और इतने में बंदा बंदा सत्य होता है देखा है। सेम दो तीन दफा तो गलती मैंने भी तो किया ही है, मेरी गन स्विच नहीं हो रही लैग। लोल अबे अबे अभी हुआ लोडिंग आ गई थी, मैं क्या करूं। वो मेरी लोडिंग आ गई थी, मैंने बोला नहीं है ये लोल लैग हो गया था। गाइस जो देख रहे जल्दी से लाइक एंड स्टार्ट लाइक एंड फॉलो कर लो। बस रूम स्टार्ट होने, रूम बनने वाला है, चार मिनट रहते रूम बनने में, वही हूँ वही हूँ। वही मेरे पास तो गायब हो के आगे गया नकवी, हक कर रही है जमा। यार यकीन मत गेम कसम से मेरी गेम लैग हो रही है, तू मेरे सामने नकली गायब हुआ है पता है तुझे। यार लैग हो रही है इस वजह से मैं रुक गया था। अब ये देख, ये देख, अबे भाग वैसे, ये देख चढ़ गया उसके ऊपर। फॉर्मर ट्राइड टू प्रैंक मी विद अ फेक आई हैं प्रो गेम गेम लूप कप जिस भाई ये खत्म हो गया। यार मैं कमेंट पढ़ रहा था यार नकवी,
नहीं कमेंट कमेंट, अबे कमेंट पढ़ रहा था। वो पीछे भाग गया। नहीं कल लैग हो रही जी, मुझे लैग हो रही है, चल रही है बड़ी बात है। भाई मैन उधर से आ रहा, भाई उनको भी मजाक में तो आगे निकल गया यार। तूने ये दो किल जो गलत किया ना मुझे, जो मैं कमेंट पढ़ रहा था। गेम अब चिपक रही है मेरी बिल्कुल भी, टीम लैग हो रही है। सामा प्लेस जी जी भाई लैग हो रहा है, नेट का इश्यू है मेरे भाई। मेरा गेम गई, मेरी मेरी गेम ही गई। मैं बोल के पहले बोल दी गेम मेरी गई, स्लो मोशन खेल रहा हूँ। नहीं 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 स्लो मोशन में खेल रहा था। मेरी गेम अड़ गई थी लास्ट चार चार पाँच किलो में, तो बोला नहीं हमें गेम अड़ रही है मेरी। देखेगा तुझे खुद आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग में देख सही चल रही थी, टफ टाइम दिया। नकवी बन गया, आई पासवर्ड आ गया जल्दी से। मैंने नेट वालों को कॉल किया तो कह रहे भाईजान सॉरी हमारा ही जो है आपको दो दिन नहीं, मेरा टूर्नामेंट हो रहा है भाई, लगे हैं पैकेज के पैसे भरो। कहते नहीं भाई कल ही ठीक कर लेंगे।
के बाद भी आवाज आ रही है मुनीब? यप 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 आ रही है आवाज आ रही है। इसके बाद कितने रूम हैं? एक रूम है ना, एक एक रूम है ना, इसके बाद और, ये फोर्थ रूम है और इसके बाद एक रूम और होगा, पांच रूम टोटल। मुनीब तेरी आवाज नहीं आ रही, माइक हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? हां आ रही है। ठीक है अजान, ये टीडीएम रूम नहीं है, गेम लूप का लूप चैंपियनशिप। मुनीब वाईटी चल रहा है, वाईटी नोटिफिकेशन में ना, वाईटी नोटिफिकेशन में जो सेकंड बंदे का वो डाला है ना, वो काट और अगर डिलीट होता है तो कर दे, वो ऑफ हो गया, बंद कर दिया उसने। चलो खैर है, डाला हुआ तो डाला है, वो तो हमने पोस्टिंग करनी है ना वहाँ। इक्कीस तक वाचिंग जा रही है ग्रोम पर, अभी नहीं है मुनीब। मेरे पास तूने थंबनेल फिर मुझे दिया नहीं, तो ये जो मेरे पास थंबनेल पड़ा हुआ था, ये इस पर गेम लूप का लोगो शोगो टाइप था, तो मैंने यही चिपका दिया। अच्छा ओके जी, नकी भाई इसमें भी काफ़ी अच्छी टीमें आई हैं, वीएफएक्स के लड़के भी तकरीबन जिनको मैं जानता हूँ, दो लड़कों को अच्छा खेलते हैं, डिक्टेटर को और क्रॉस को वीएफएक्स। मैं तो चाहूँगा ये रूम ना बहुत अच्छा अच्छा अच्छी फाइट्स हों इसमें, क्योंकि इसमें हम हाँ, उसके बाद ये एक्स वाले हैं अच्छा खेलते हैं, जेंगो है, रिफ्लेक्स, काफी सारी टीम्स अच्छा खेलेंगी तो मजा आएगा इसमें। वीएफएक्स वालों का के लाइनअप देखा नहीं मैंने कभी भी, मैंने दो लड़कों को जानता हूँ, क्रॉस को और नंबर वन को और नंबर तीन को, दोनों अच्छा खेलते हैं, नो डाउट। जबरदस्त डी सेवन का इधर भी एक स्क्वाड है, वाओ। टीम नंबर नाइन, नाइस टीम। अच्छा एक माइक तो बंद करो स्ट्रीम से, एक मिनट रुक, आवाज रोकनी है।
नेट ठीक हो गया तो मेरा, और हाँ अगर दर्द ना हुआ यार देख, दुआ कर पथरी ना हो गए, कह तो रहे पथरी है नहीं होती खैर। अच्छा मुनीब जनरल चैट जरा देखें गाइस, 2 मिनट रह गए रूम स्टार्ट हो जाएगा। नकवी अच्छा आप क्या कह रहे थे, टीम 9 इज ओपन, मेरे ख्याल में टीम 9 नंबर 4 इज ओपी आई थिंक, आप इसके बारे में कहना चाह रहे थे टीम नंबर 9? हां टीम 9, लेकिन लेकिन टीम नंबर 16 में भी नंबर 4 ओपीएल डीपी के खिलाफ कौन सा टीम नंबर बताना जरा, टीम कौन सी है 16 है तो वोट ही समझा नहीं नहीं 16 है। लेट्स सी कैसी फाइट्स होती है, मेरे को जो मेन फाइट देखनी है वो एमएम वालों की है। हाँ और यहाँ पे एक्स के दो स्क्वाड कैसे आ गए, एक्स के दो स्क्वाड है इसमें, एक्स का स्क्वाड सेवन के पिछली गेम में दो थे ना, उसी तरह मेरे ख्याल से इसमें एक्स वाले की दो लाइनअप है शायद। एक्स दिलावर टू मनीप भाई, मनीप नहीं है यहाँ पे ऑफलाइन दूसरी साइड पे गया चैट। हाँ मिनिमम लेवल कितनी आईडी अलाउ है? 40 ये टीम नंबर 1 में बैठे हैं एक्स दिलावर टू, 36 लेवल आईडी है, देख लीजिए किक हो जाएगा। अरे बिया कास्टर केड़ा है, बिया अपना है द नकवी किंग, फेसबुक ते पेज है द नकवी किंग ते नाल, तो ये भी मेरा मतलब डेविल भाई बहुत पुराना दोस्त है अपना। ये मैंने कहा था डेवलो सुराकी ना बोल, ऑडियंस जितनी बैठी है वो भी चली जाएगी भाई, वो ऑडियंस भी सुराकी पूछ रहे हैं क्या करूं, डेविल भाई दूसरे स्ट्रीमर जो है वो नकवी किंग भाई है जो कि फेसबुक पे कर रहे हैं द नकवी किंग के पेज से। मैंने सॉन्ग लगा दिया तब तक सॉन्ग सुनते
ओके सो प्लेन स्टार्ट हो गया भाई गेम डेवलप. हेलो हेलो यू हियर माय ब्रदर. डेवलो डेवलो हेलो 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 मलिक इधर ही हो क्या. ओके गाइस सो प्लेन है स्टालबर्ट से मिलिट्री. सो लेट ओ भाई पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं भाई कोई ओके सही सही. कितनी टीम रजिस्टर्ड है यार? 200 टीम रजिस्टर्ड है डेविल भाई. इसलिए एक एक मैच सबका हो रहा है. डेविलो आवाज आ रही है? यस आ रही है. यप 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 यार इस दफा हम लोगों ने मैच नहीं अपनी 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 टीम नहीं सिलेक्ट की. मेरी मैं छोड़ो यार नजर लग जाती है बेचारों को. स्टेलबर से मिलिट्री बेस है आपकी नजर में और ये जोन मेरी नजर में जो है भाई मेरी नजर में ये जोन जाएगा जॉर्जपुल या फिर वह से मेल्टा पावर पिछले मैच. आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हैं यार? ये वाला जोन ज्यादा इसी साइड को बनता होता है जॉर्जो का ना जितना भी ये वाली लाइन जो जितनी भी देखते हैं ना. और ये हम ये है कि पहला जोन हम पहला जोन बन बन जाए फिर देख फिर हम ऐड कर सकते हैं कि क्या सीन है इधर को जाएगा. लेकिन यहां पे मेरी भाई मेरी जो फेवरेट टीम है वो मेरी अपनी टीम होगी भाई वो है एमएम वालों की. लेट्स सी कि कैसा खेलते हैं वो लोग. और एक्स वाला का एक लाइन अप है स्टील शॉट है फॉर एक्स के नाम से प्लान है ये. तो ईओडी वाला का प्लान दोबारा से है. ईओडी के तीनों लाइन अप आए हैं. तीन लाइनअप थे मेरे ख्याल से जितने भी मैचेस हुए हैं ना हर मैच में इनके एक एक लाइनअप आया है मेरे ख्याल से. अच्छा अच्छे लाइनअप है भाई. इन्होंने काफ़ी सारे लोग हैं. टी आर टी है जी टू एल है अल्फा है डी सेवन है 25 D7 अफान ओके डी सेवन क्लच गॉड और सी ओ पी. काफ़ी अच्छे लाइनअप हैं डियाब्लो. तो क्या लगता है मतलब अगर फाइट मजे की होगी? लुक जॉर्जो जॉर्जो मैंने आपको बोला था कि जोन इधर ही जाएगा. वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हर टीम के ना क्लैन के चार्चर तीन तीन चार्चर है रजिस्टर्ड क्योंकि क्लैन इतने बड़े हैं इतने अच्छे लड़के अब खेलने आए वाले काफ़ी मिल गए हैं कि काफ़ी लोग दूसरी गेम से ना कन्वर्ट होके इस पर आ रहे हैं. काफी प्लेयर्स. ये कौन सा ग्रुप चल रहा है? अभी सिर्फ लूट चलेगी पब्लिक थोड़ा टाइम. जैसे ही ये लूट खत्म होगी रोटेशन स्टार्ट होंगी. जोन काफी डिसेंट जोन है अच्छा जोन है पिछले दोनों मैचेस की निस्बत ना तीनों मैचेस की निस्बत ये वाला जोन बहुत अच्छा बना है. सो अगर ये तो बाद में पता चलेगा कि अगर ये ग्रुप डी कैसा है फिर भाई जिंदगी बर्बाद इन प्लेयर्स की. अभी काफी सारी टीम्स हैं जो जोन के अंदर हैं. 1 2 3 4 5 6 7 टीम है जो जोन से बाहर है लेकिन उनके लिए भी इजी रोटेशन है ये वाली जोन में. किसी भी जगह कोई भी कंपाउंड आके ले सकती हैं वो लोग. इतना मुश्किल नहीं होने वाला. सो लेट्स सी. आई थिंक ये गटका के आसपास जोन में ज्यादा रहना है. गटका के आसपास का ज्यादा चांस है. अगर ये क्यूरी की तरफ या इस तरफ गया तो ये फिर बहुत ज्यादा ओपन जोन बन जाएगा. ओपन में फाइट देखने अभी फिलहाल हर कोई जो है लोड करने में है. कोई फाइट का सीन किसी का नहीं है. तो लेट्स सी देखते हैं कि अभी कौन सी टीम क्या क्या लूट कर रही है. डेवलप मेन इन चीज इसकी फाइट में देखना चाहूंगा. ये जो तीन टीम है ना यहाँ पे एक स्कूल में एक रिजॉर्ट में एक वाटर सिटी में तीन टीमें हैं. एक डी सेवन है एक डी एस है और एक है एस फोर एक्स. लेट्स सी अगर ये रोटेट करते हैं तो इनकी फाइट यहाँ पे होती है. आपको पता है ना जॉर्जो जो रिजॉर्ट की हिल है वहाँ से स्कूल वालों को हमेशा मारने की ट्राई की जाती है. और ये वाली जगह की और एक डी सेवन का बंदा जा भी रहा है मेरे ख्याल से हिल के ऊपर. लेट्स सी कि ये नहीं अभी लूट रहे हैं ये लोग सिर्फ. यहाँ पे ईओडी पे रश हो गया है. एक्स के टू टीममेट्स ने रश किया है और एक डाउन करके और गलत किया. एक को डाउन करके खड़े हो गए यहाँ पे. आपको बदले में 15 जेंगो जेंगो को नॉक किया गया था लेकिन इजी रिवाइवर रिवाइव हो रहा है वो. टीम नंबर 15 वर्सेस टीम नंबर 11
टीम नंबर 15 के आयान को खत्म कर दिया जाएगा। ईओडी के जितने भी लाइनअप आए हैं मेरे ख्याल से ये तीनों लाइनअप, ये चौथा लाइनअप है इनका मेरे ख्याल से, और ये चारों ही लाइनअप स्टार्ट में ही फाइट लेते हुए फिनिश हुए हैं। लेट्स सी अब इस दफ़ा क्या बनता है ईओडी के साथ, क्योंकि ईओडी का एक बंदा उन्होंने नॉक फिनिश कर दिया गया और एक राइट साइड पे ऊपर हिल के ऊपर है। आई थिंक वो फाइट नहीं लेगा, यस वो फाइट नहीं ले रहा, वो वहाँ से यहाँ से जाना ही अच्छा समझेगा। क्या लगता है इस टीम में क्या है, मतलब जितना भी लाइनअप आया ना नीचे सबसे पहले ही फाइट हुए मरे। ये जो है ये इन्होंने अभी ये क्या हुआ था, होल्ड किया हुआ था तो इनका एक बंदा दूसरे अपने टीममेट्स की तरफ जा रहा था तो वहां से बग्गी गुजरी एक्स वालों की, तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने स्प्रे दिया तो एक को डाउन करके 1 HP पे भाई ने बहुत गलती की, खड़े हो गए। तो लेट के आप मार सकते थे, प्रोन होके मार रहे हो आप, मारो आप खड़े हो गए हो तो आपको वो सपोर्ट करेगा, आप जितना भी स्प्रे करोगे एक बुलेट आपको लगनी है 1 HP हो, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उसने गलती की और मर गया। ओके तो एमएम वाले कहां पे लूट रहे हैं इस टाइम पे, पेरी पेरी ओके नाइस। वीएफएक्स वालों के साथ फाइट हो सकती है मिलिट्री पर इस टाइम पे, मिलिट्री पे ना पे बाकी फंसा के बैठा हुआ है भाई, क्या बात है। मे बी ये ऑफलाइन है डेप्लो, मे बी पर 7 आई थिंक सो, क्योंकि इसके सामने ही दूसरी टीम है एक, और लेट्स सी अगर ये ब्रिज की तरफ जाते हैं तो क्या बनेगा। अभी किसी की फाइट हो तो नहीं रही मैप में, या अभी तक तो किसी की कोई फाइट एग्जीक्यूट नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन ओके रिजॉक और स्कोल में लेट्स सी क्या बन रहा है वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है फायर स्टार्ट हो गई है, मुझे लगता है वीएफएक्स वाले मर अलहदा हो गए, अगर ये इकट्ठे ना हुए तो मर जाएंगे। अच्छा वही काम हुआ है डेब्लो, स्कूल वाले आ गए हैं रिजॉक हिल पे और रिजॉक वाले थोड़ा परेशान करने के लिए, तो लेट्स सी। ये वाली फाइट पता है ना हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ऊपर वाला नॉक होता रहेगा, नीचे वाले नॉक होते रहेंगे, रश हो नहीं सकता यहाँ पे, बिल्कुल ओपन एरिया है। अगर ऊपर वालों पर रश करना है तो बहुत मुश्किल है यहाँ से D7 वालों के लिए और DS वालों के लिए भी। हेलो वेलकम, आपका वेलकम टू द स्ट्रीम। बिल्कुल आपने नकवी सही कहा, क्योंकि यहाँ पे एक टीम को बहादुरी दिखानी पड़ेगी तो ही रश आप कर सकते हो, वरना ऐसे ही बैठे रहो। एक टीम इनकी पावर प्लांट लेकिन वो वहां से मूव आउट हो चुके हैं, वो आ चुके हैं पीछे कंपाउंड में, जो कि डीएस वालों के लिए मुश्किल, डीएस वालों के लिए मुश्किल हो सकती है। देखो टीम नंबर क्या है इनका, टीम नंबर 13, जो कि पीछे से अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं डीएस वालों को, और ये बीच में सैंडविच हो सकते हैं अगर D7 ये डीएस वाले अगर नॉक होते हैं तो उधर से D7 भी उन पर रश कर देगा 100%। पर ये आई थिंक बैक स्टेप कर रहे हैं, वापस आ रहे आई थिंक, ये अभी इनके पास गाड़ी शाड़ी कुछ भी नहीं है तो ये अभी ऐसे वैसे कुछ लेना नहीं चाह रहे, ओपन में है तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जोन का सेंटर पकड़े या हम कोई व्हीकल ढूंढ लें। बहुत इजीली ना इनको मार सकते थे डीएस वालों को, पर आई थिंक उनको सपोर्ट नहीं हुआ वहाँ पे, बंदा फायर तो हो रहा था वहाँ पे लेकिन आई थिंक वो साइड मतलब अभी फाइट नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि जोन अभी बिल्कुल मिड में है और अभी मेरे ख्याल से वाटर सिटी अभी भी जोन के अंदर रहेगा नेक्स्ट जोन में भी, अगर ये बिल्कुल ही शिफ्ट नीचे को ना हुआ तो। ओके उधर ब्रिज पे फाइट हो रही है क्या, ब्रिज पे नहीं, ब्रिज पे अभी VFX वाले एक साथ हो गए हैं। ओके VFX वाले सामने आ रहे हैं, ये फाइट देखने में मजा आएगा लेकिन किसी को भी उतार नहीं पाए यहाँ, काफी बैड सीन हुआ है, बाकी तो उतार सकते थे लेकिन VFX वाले यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए भाई, आराम से चले गए यार, इनसे फायर ही नहीं हुआ उन पे। ये सुफियान अभी तक ऑफ है आई थिंक, उसको गाड़ी पे बिठा के भगा के गया। नो आईडिया भाई, VFX वालों का जो ऑफ प्लेयर था आई थिंक उसको ले गया है मेरे ख्याल से, वो ऑनलाइन आ गया मे बी शायद VFX। हाँ अभी भी उसका नेट इशू कर रहा है, नेट इशू कर रहा है, उसको गाड़ी पे आई थिंक उसको गाड़ी पे बिठा के ना, गाड़ी पे बिठा के लेके भगा के गया उसको।
थैंक यू सो मच। वीएफएक्स वाले बहुत अलग-अलग उतरे हुए हैं यार ये लोग। दैट्स इट। ओके महा की टीम घूम रही है और आगे इनके स्क्वाड है टीम नंबर 16। देखते हैं आगे स्क्वाड की तरफ जाते हैं या नहीं। ओके थोड़ा सा साइड से घूम के निकल रहे हैं, उनको पता है टीम है वहां पे लेकिन नहीं फाइट नहीं करनी। यहाँ पे डेवलो सबसे बोरिंग फाइट होने वाली है ना वो इन दो टीम्स की है, टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 25, D7 वर्सेस DS, क्योंकि दोनों क्लोज रेंज फाइट हो नहीं सकती, इनकी आपस में नॉक निकाल नहीं पा रहे अभी तक, काफ़ी दूर की फाइट है। DS को एक डिसएडवांटेज है कि इनके पास सिर्फ 3 बंदे हैं और एक EOD का बंदा भी इनके साथ खेल रहा है। ये क्या चल रहा है वैसे? ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि कोई अच्छा स्कोप भी नहीं है और दूसरी बात यह कोई स्नाइपर नहीं है इन दोनों में से किसी के पास। Let's see, X वाले किधर हैं अभी? X वाले प्लान भी हमेशा अच्छा खेलता है। ओके अभी जोन की रोटेशन स्टार्ट हो गई है, जोन कुछ ही टाइम में दोबारा बनने वाला है। अभी ब्रिज नोवा वाला फाइट होने लगी है वहां पे और यहां पे ब्रिज नोवा के ब्रिज पे दो गाड़ियां आ रही हैं, दो क्लैन अलग-अलग से आ रहे हैं लेकिन एक ही साथ आ रहे हैं। आई थिंक सो इनकी फाइट हो सकती है अगर करना चाहें तो, क्योंकि फाइट हो सकती है क्योंकि इन्होंने स्पॉट तो कर ही लिया होगा उनके सामने से और ये फायर देंगे, पर यहाँ पे फायर देना बनता नहीं होगा, वो गाड़ी में और बहुत आगे निकल चुके हैं और आई थिंक वो स्क्वाड है पूरा और ये डुओ है। जोन वही है गटका और प्रिज्म की तरफ से शिफ्ट होता हुआ। मैंने आपको बोला ना फ्यूरी पे बनेगा, इसका मतलब है अब फिर गटका पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक टीम ऑलरेडी फ्यूरी पे चली गई है। लो यार आपने सही बोला था, जर्सी से टीम आई है अभी वापस। कौन सी टीम है ये? स्पेक्टेट टीम नंबर 2 है, आरजी जम्मू गेमिंग आरजी वाला प्लान है और मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम से बंदे हैं इसमें, एक सेम प्लेन नहीं है हमारे ख्याल। और आरजी की टीम की तरफ एक गाड़ी बढ़ रही है बड़ी जोर से, आई थिंक वो रोटेशन अपनी ले रहे हैं, वो उधर से वो रोटेशन ले रहे हैं। इनके बंदे को क्या हुआ? टीम 4 टीम नंबर 4 बढ़ रही है उनकी तरफ, तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि रास्ते में मिल सकते हैं तो वो बड़ा। और ये शामों के ऊपर गाड़ी रुक गई है, उन्होंने स्पॉट भी कर लिया, गाड़ी खड़ी हुई आगे। पहले लेफ्ट क्लियर, अपना लेफ्ट क्लियर कर रहे हैं। नाइस नाइस नॉक, बोलो बोलो। अच्छा स्पॉट किया था बट उन्होंने पहले ही स्पॉट कर लिया और शामो जो है रश कर रहे हैं। अगर आपको पता जो बंदा डाउन हुआ है उसने डैमेज अच्छा दिया, उन्होंने इसके दो बंदों को एक को 1 HP एक को 5 HP किया लेकिन इनका स्प्रे DP की वजह से ये बच गए। उसको रिवाइव मिल गया है लेजेंड को, तो इजी रिवाइव है। 4v3 है ये, यप नो इट्स 4v4। बिखर गई टीम थी, ये बिखर गई है टीम तो ये इनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि जो इंटरनेट का भी इशू था मेरे ख्याल से जिसकी वजह से वो काफी देर डिस्कनेक्ट बग्गी के ऊपर ही रहा है ब्रिज पे, तो उस वजह से मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट इशू है इसकी टीम के साथ। हो सकता है कि लैंडिंग इसी पर हो और इस वजह से टीम बिखर गई हो, क्योंकि उतरना कहां हो प्लैंड और उतर कहां गए इसकी वजह से, इसी की वजह से। ओके यहाँ पे कैप्टन जीरो को नॉक किया गया है और कैप्टन जीरो को फिनिश भी कर दिया गया CW स्लेयर की तरफ से। कैप्टन इज फिनिश, नाइस। MM के क्लैन का नंबर 4 प्लेयर
फिनिश हो चुका है रोटेशन में मारा गया आई थिंक शायद रोटेशन की वजह से नंबर तीन एमएम टॉव के पास बग्गी ही है वो टायर फट चुके हैं दोनों तो वो चलाने के काबिल नहीं रहे तो वो अभी पैदल भागेंगे ओपन में और पीछे से वो टीम गाड़ी पे आएगी अगर उन्हें सपोर्ट कर ले तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है इनके लिए टीम से भी दूर है टीम से तो बहुत दूर है और सीडब्ल्यू वालों ने ही फिनिश किया था कैप्टन को मे बी शो को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया जाए लेकिन वो काफ़ी दूर है टीम नंबर जो दूसरी है सीडब्ल्यू वाले उन्होंने कैप्टन को तो फिनिश कर दिया लेकिन ये बच्चों ने कामयाब हो गए हैं मेरे ख्याल से इनको अपनी टीम के साथ जाना चाहिए था यहाँ पे मतलब इस तरह रोटेशन फजूल रोटेशन नाइस ओके सो और किस साइड पे चलना चाहिए हम लोगों को अच्छा ड्रॉप है ड्रॉप देखो ड्रॉप पड़ा है गटका के पास गटका में तीन टीम्स आ चुकी हैं ऑलरेडी क्या लगता है कि सेंटर बनेगा गटका अगेन अगर जोन राइट को शिफ्ट होता तो ओपन लेफ्ट हुई है लेकिन गटका 3 का है बाकी जो भी डब्ल्यू है एलजी मेरे ख्याल में वो रोटेशन दो गाड़ियों पे कर रहे थे दो दो बग्गियों पे तो एक्सप्रेस से तो फिनिश हो गए होंगे और गाड़ी फट गई होगी तो ये ओपन रह गया अकेले हां ये सीन हुआ शायद E7 का एक लड़का अभी तक जोन से बाहर है जो कि अब गाड़ी लेके जोन की तरफ आ रहा है D7 अब्बास वाईटी टीम नंबर D7 रेजोक से ऊपर देखें आपको गाड़ी मिल जाएगी नाइस जी जी ओके जोन बनने लगा है इन फ्यू सेकंड्स तो और अगर तो ये मिड का जोन बनता है तो बहुत मुश्किल होने वाला है लेफ्ट वाली टीमों के साथ ये जोन किधर को शिफ्ट करता है ओ भाई पूरा लेफ्ट शिफ्ट हो गया थर्ड शिफ्ट है और तीसरा शिफ्ट भी पूरा लेफ्ट को गया है यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 टीम है इस टाइम जोन में एक टीम हल्का सा जोन से बाहर है एच पे ही है बाकी जो पोचिंकी और रियोन्स की तरफ टीम है इनको बड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि ऑलरेडी सब लोग गटका में और गटका के आसपास की जो जगह है वो कंपाउंड लेके बैठे हुए हैं इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है साथ डाउन पड़े हैं उसको रिवाइव नहीं दे रहे ऑफ हो गए होंगे इनकी टीम और पुचिंकी में बहुत अच्छी फाइट हो रही है एक्स वालों की एक्स वालों ने यहाँ पे एक स्क्वाड आई थिंक खत्म कर दिया इनके एक बंदे को नॉक फिनिश दिया आरवीजी के एक्स रिफ्लेक्स के दो किल हैं और एक्सजाद भी फिनिश हो चुका है फाइट होती है टीम नंबर 10 के साथ जो आरबीजी ऊपर है चर्च की साइड होती है जो आरबीजी का एक बंदा एक्सेल ने फिनिश कर दिया ओके आरबीजी ने ये बहुत अच्छा किया है कि उनकी बगीज के जितने भी टायर थे भाई सबके ब्लास्ट कर दिए कि भाई तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे इधर ही रहेंगे दोनों मिलके यहां पे ना यार वो बातें करते हैं इधर ही बैठो पचिंकी में क्योंकि जोन पचिंकी से हट चुका है और आरबीजी आई थिंक रोटेशन दे रही है यस आरवीजी वहां से निकल रही है डेवलप उनके टायर खराब करके ये कहां का इंसाफ है यार ये मेरे ख्याल में वो हुआ है जो इंडिया के साथ हुआ था और ये एक्स वाले देख नहीं रहे कि गैराज में गाड़ी अभी भी अवेलेबल है ओके गैराज में है गाड़ी पर नाइस आपने देखा था ना अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ था इंडिया ने कहा था हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे वही सीन आई थिंक इनके साथ भी हुआ है मे भी गाड़ी सही हो गाड़ी ठीक है सारे व्हील्स ठीक हैं इनके आई डोंट नो कि इनके कैसे नहीं इन्होंने देखा गैराज पैदल बहुत दूर है
और जोन आएगा भी इस साइड से ना बहुत स्पीड से, पर एक गाड़ी है इन लोगों के पास जो कि जेंगो लेके आ रहा है, तो ये हो सकता है सरवाइव इजी है इन लोगों के लिए। अभी जेंगो के पास क्या चीज है, टू सीटर, तो एक बंदा तो सेफ होता है इनका, और दूसरे को ऊपर बिठा के लेके जा सकते हैं। इनको चाहिए कि ऊपर बिठा के ले जाएं ना, डेमो मजा आएगा। और वो ही काम कर रहे हैं वो लोग क्या ये भाई इमोट मारेंगे गाड़ी के ऊपर बैठ के, पर इनसे गाड़ी पे चढ़ा क्यों नहीं जा रहा यार डेमो, क्या हो रहा है? गाड़ी दूसरी है, वो कह रहे हैं तुम बैठो मैं चढ़ता हूं गाड़ी पे, तुम्हें गाड़ी पे नहीं खड़ना आता। नाइस जेंगो ओपी इन द चैट पब्लिक। ओके जोन काफी डैमेज देना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है अभी 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 जोन, हां जोन शिफ्ट स्टार्ट डेवलप। नेक्स्ट जोन किधर बनेगा भाई, और फाइट हो रही है भाई, देखो 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 लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जोन के एएलजी को नेड से नॉक किया गया है, ये लोड होने में इतना टाइम ले रहा है कि ये एरिया भी जोन का काफी इंपॉर्टेंट है मैच का, क्योंकि काफी सारी टीम इसी एरिया पे बैठी हुई है लेफ्ट साइड पे, एमएम वाले इसी साइड पे, एमएम वाले का शो भी एक साथ हो गया। ओके वो तीनों एक साथ हो गए, नाइस हो गया। उसके बाद एक दो तीन चार, चार टीम लेफ्ट साइड पे है जोन के। क्या लगता है कि अगर राइट का जोन कटा डेब्लो तो क्या बनेगा? मरित्यो मरित्यो गेन किया ना, क्या बनता है? काफी काफी अच्छा जोन है फिलहाल ना अभी। क्वेरी शुक्र है शिफ्ट, ओहो भाई मारो भविष्यवाणी की थी, आप टेंशन ना लो। ओके सो यहाँ पे कितनों का कटा है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ टीमों का कट चुका है, और सिर्फ इस टाइम दो टीमें जो जोन के अंदर है, तीसरी एक्स वाले भी जोन के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइट हो रही है किसकी, ALG वालों को फिनिश किया गया है, नॉक किया गया है यहाँ पे, ALG को नॉक किया गया है यहाँ पे, रोटेशन के दौरान फायर किया जा रहा है यहाँ पे, इन्होंने डाउन कर दिया दूसरे स्क्वाड को, फिनिश RVG थी, हाँ RVG थी, VFX का एक बंदा बचा हुआ है अभी तक। यस यस, जो जो VFX का बंदा ऑफ था वो अभी तक स्टिल सरवाइव, सुफियान वो अभी भी जिंदा है भाई, क्या बात है लौंडे की, नाइस यार भाई, भाई जो बग्गी में ही है, जो ऑफ था वो बच गया, जो ऑन थे सब मर गए, सब मर गए, ये ऑफलाइन था तो ये बचा रहा है सरवाइव, और जोन के अंदर ही पहुंच गया वो, अभी जोन से बाहर से जाने की ट्राई है, तो नाइस जोन से बाहर जा रहे हैं, एमएम वाले भी जोन के अंदर जा रहे हैं, ईओडी वाले भी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, सीडब्ल्यू जोन में है ऊपर वाले, ये वाले का पहुंचे हैं आरजी, ये भी जोन से बाहर है, मिडिल एंड पे है, 20 मोर सेकंड उसके बाद जोन शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। वहां ओपी को फिनिश किया गया है, गाड़ी को उतारा गया है क्या, किधर 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 कटके के ऊपर रिच पे फाइट हो रही है यहां पे, एक्स वर्सेस अल्फा वर्सेस एस4एक्स वर्सेस सब वर्सेस है यहां पे, S4X जो पीछे से आ चुकी है वो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है उनको, स्नेक है टीम नंबर 10, देखो ना टीम नंबर 10 बिल्कुल राइट साइड पे है, टीम नंबर 13 के ऊपर आ चुकी है, और उनके पास बहुत अच्छा एरिया है, टीम नंबर 13 के ही कम सीन था यहां पे, 13 राइट से एक बंदा फ्लैंक दे रहा है डब्लू टीम नंबर 10 को, सी ओके टीम नंबर 13 का भाई बंदा फ्लैंक देके टीम नंबर 10 के बिल्कुल राइट साइड पे आ गया है, लेफ्ट साइड पे सॉरी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या ही, अगर ये यहाँ से डैमेज देना स्टार्ट करता है उनको ये नॉक फिनिश निकाल सकता है, लेकिन ये जोन से बाहर है बंदे तो इनको जोन के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जोन काफ़ी अच्छा सारा डैमेज देगा, टीम नंबर 13 का ये प्लेयर इनको डैमेज देगा पीछे से। यस वो जोन के बिल्कुल एज दिया है उन्होंने टीम नंबर 13 के, और टीम नंबर 10 की जो ये फाइट है टीम की, ये देखने में काफी मजा आएगा आप लोगों को, तो ये मैच हम लोग दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ से, टीम
नंबर 10 पूरे बंदे अलाइव हैं, उसके 3 बंदे अलाइव हैं। ओके वहाँ पे हुज नेक्स्ट की फाइट चल रही है, तो लेट्स गो। हुज नेक्स्ट ने 2 किल निकाल चुके हैं, रंजीत साहब हुज नेक्स्ट। तो यहाँ पे डॉक्टर वॉन एक नॉक निकालने में कामयाब नहीं हुए आई थिंक। यप नॉक नहीं हुआ, वो बच गए, बट नाइस स्प्रे। यहाँ पे टीम नंबर 14 है, ये 2 किल है इनके पास, डॉक्टर वॉन के पास 0 किल है, MM शो के पास 0 किल है, एंड द हूज नेक्स्ट हैव 2 किल। नाइस जोन अगेन लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया है, जो बहुत अच्छा हुआ है। राइट शिफ्ट जोन नहीं किया, अगर राइट शिफ्ट कर जाता और तो काफ़ी सारी मुश्किल होती काफ़ी सारी टीम्स के लिए, लेकिन अभी काफ़ी सारी टीम जोन के अंदर हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्स वालों की फाइट हो रही है, एक्स जेंगो को नॉक कर दिया गया है। यहाँ पे एक्स के साथ पहले से फिनिश थे, एक्स जेंगो नॉक है, एक्स हजार भी नॉक कर दिए। एक्स वालों का सिर्फ एक ही बंदा अलाइव है यहाँ पे, रिफ्लेक्स के नाम से। लेट्स सी इनके क्या फाइट यहाँ पे निकाल पाएंगे ये लोग, जबकि उन पे और एक्स वालों को टोटल फिनिश कर दिया गया बाय सीडब्ल्यू। सीडब्ल्यू प्लेइंग वेरी वेल, नाइस। काफी okay, अच्छी फाइटें हो रही हैं। 29 अलाइव, काफी सारे एक्स टीम फिनिश, पूरी खत्म हो चुकी है। एमएम वालों के 3 अलाइव हैं, ईओडी के 2 अलाइव हैं, D7 के 4 अलाइव हैं, D7 के 4 अलाइव हैं। यप आई फील सम पेन यार, नहीं यार दोबारा से थोड़ा हल्का सा पेन हो रहा है, मेडिसिन खानी पड़नी है मुझे, चलो खा लेते हैं। खा ले, इजी रहेगा, कोई इशू नहीं है। G12 माली को नॉक कर दिया गया है, CW स्लेयर नॉक है, जोन से बाहर फाइट ली जा रही है, इनको जोन में जाना चाहिए था पहले, पर एक फाइट कर रखे हैं। एक बंदा जोन में रोटेट कर आउट ऑफ द जोन है। ओह माय गॉड, एक बंदा नॉक हो गया है, दूसरा जोन से नॉक हो गया। उसी को देख रहा हूं, उनके 2 बंदे फिनिश हो चुके हैं, अपन फिनिश हो चुका है। D7 के एक और नंबर 4 प्लेयर भी फिनिश हो चुका है, क्लच गॉड एंड कॉप सिर्फ बचे हैं, और इनके सामने आई थिंक जितने भी थे इन्होंने मार दिए। नाइस, अपन जो जोन से खत्म हुआ है अपन, नाइस भाई। अच्छे बंदे फातिमा ऑफिस एसएटएस स्पेक्स कंप्यूटर, फातिमा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं मैं आपको जी। जोन शिफ्ट कर चुके हैं ऊपर वाली साइड पे, जहाँ पे तकरीबन 3 टीम्स हैं जो इस टाइम जोन के, और एक कंपाउंड है सिर्फ 1 2 3 4, हाँ एक कंपाउंड है, ओपन जोन है। बहुत नाइंसाफी है, ये बहुत नाइंसाफी है भाई, सीरियसली टोटल ओपन जोन है गाइस ये वाला। ये तो मृत्यु लगती है, तुझे क्या लगता है गालिब? एमएम वालों की फाइट हो चुकी है सीडब्ल्यू वालों के साथ, जिन्होंने इनका कैप्टन को मारा था, तो लेट्स सी क्या ये यहाँ पे बदला ले पाएंगे अपने एक प्लेयर का। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट होगी इनकी, क्योंकि एक एम का, और उसके बाद इनको यहाँ से भागना ही भागना है, अगर यहाँ से नहीं जाएंगे तो जोन वैसे ही इन दोनों टीम्स को मार देगा। CW भी जोन से बाहर है और MM वाले भी जोन से बाहर हैं, सो लेट्स सी कि क्या बनता है। वहाँ पे D7 भी जोन से बाहर है फिलहाल, काफ़ी सारी टीम्स हैं जो इस दफ़ा एक दो तीन चार टीम्स हैं जो जोन से बाहर हैं, लेकिन अभी रोटेशन देना शुरू कर दिया, CW वाले भी रोटेशन दे रहे हैं, एक अच्छी रोटेशन, लेकिन इनके पीछे बंदे आएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे वही चीज़ हुई, CW वालों को बैक स्टैप हो चुका है, MM वालों का पूरा क्लैन खत्म बाय GS क्लच गॉड लेजेंड। नाइस रोटेशन में मरे हैं, बट नो वरीज, अच्छा खेले टीम नंबर 6। यहां पे 2 अलाइव हैं, D7 वाले टोटल खत्म। टीम गया लास्ट बंदा, टीम नंबर 15 का देखें, ईओडी खान अभी तक उधर है, किट लगा रहा है, आखिरी किट बची हुई थी लगा रहा है। कितनी फर्स्ट एड है इसके पास? एक ही फर्स्ट एड है, लास्ट फर्स्ट एड है, इसके बाद इसको भागना ही पड़ेगा, और ये नहीं भागेगा और ना क्लच ना किल देगा सामने वाले को।
ये क्लच भी ले सकता है और ओ लास्ट सेकंड पे मारा गया लास्ट सेकंड में। और यहाँ पे भी वही सीन चल रहा है, सी डब्ल्यू का एक बंदा जोन के बाहर ही किट्टी 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 खेल रहा है और बहुत दूर है। चार टीम है और दो टीम इस टाइम जोन में है और बाकी दो टीम जोन से बाहर है। कंपाउंड यही है जो इनके पास है, इनके ऊपर सी डब्ल्यू के पास। सी डब्ल्यू ने बहुत अच्छा मैच निकाला ये वाला, अगर यहाँ से भी आगे ये निकाल के लेके जाते हैं मैच को। इनका तीन बंदे अलाइव हैं, इनके ऊपर टी आर वाले हैं, टी आर टी वाले। एक बंदा बचा हुआ है, सी डब्ल्यू का एक बंदा बहुत बाहर है और वो किट्टे पे किट्टे मार रहा है, लेकिन अब किट्टे नहीं लगने वाले। हाँ कौन सा नंबर तीन स्लेयर लास्ट किट है और गाड़ी हड़ी कुछ भी नहीं है और वो डब्बे ढूंढ रहा है, डब्बे ढूंढ के किट लगा रहा है। अब रियली अब नहीं लगेगी, अब मिल गया किट लेकिन लगेगी नहीं। किट मिल गई है जरूर लेकिन अब लगेगी। नॉक हो चुका है या फिर छोटा सा कवर है इन लोगों के पास। लेट्स सी, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं इसका व्यू। ये है सीडब्ल्यू, ये एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में दो टीम्स हैं, दो टीम में से एक बंदा ये नीचे बैठा हुआ है भाई छुप के। ओ भाई 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 कैंसर ब्रदर, हाउ आर यू G12, वेलकम टू द नेक्स्ट वीकिंग लाइव स्ट्रीम ब्रदर। ये एक नीचे बैठा हुआ है डेब्लो, ऊपर एक स्क्वाड है लेकिन ये फाइट नहीं ले रहा उनसे। नाइस, वो जब ये जब निकलने के करेगा ये तब मारेगा, कैंसर देगा और नॉक फिनिश वाला सीन है। सीएस सीडब्ल्यू एनएस को यहां पे नॉक कर दिया गया पर वो रिवाइव हो जाएंगे, इजी रिवाइव है। और यहां पे लेजेंड भी नॉक है आई थिंक, यप नॉक, उसको भी रिवाइव मिल जाएगा। डेब्लो क्या लगता है किसके पास सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन है? G12 के पास जो हिल नहीं रहा। G12 के पास हाँ, वो उसके बाद वो एक बहुत छोटे से कमरे में बैठा हुआ है, बट आई थिंक वो आउट ऑफ जोन है। अगर वो जोन के अंदर एचपी है ना तो उसके लिए बहुत फायदा है। ओके, जोन मूव होना स्टार्ट हो चुका है डेब्लो। फातिमा ये आपको पीसी स्पेक्स मैंने सेंड कर दी है स्ट्रीम पर। सीडब्ल्यू वाले काफी मुश्किल में है यहाँ पे अगर वो जोन से बाहर, क्योंकि टीआरटी फाल्कन को छोड़ेगा नहीं। एक नॉक उस्मान को नॉक कर दिया गया है और अनस को भी वो ले लेगा क्योंकि उसके पास पोजीशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पे लेजेंड ने काफी नॉक, और जोन से गया है अनस आई थिंक। यस, जोन से नॉक फिनिश हो चुका है और हेडशॉट किट लगा रहा है वो, अभी तक नहीं हिला बंदा वहां से। व्हाट अ स्ट्रेटजी ब्रदर, हिल सकते हो? नो ही सेफ, आई थिंक देर कर गया किट लगाने में, ही विल बी फिनिश। अरे लग गए, इज लाइव, नाइस। आई थिंक किट इसके पास और नहीं है मेरे ख्याल से, मैं तो डर गई। 1v2v3 है, दो बंदे जीएसके अलाइव हैं। अच्छा टीआरटी असैसिन भी आई थिंक किट ही लगा रहे हैं। यस, ही इज आल्सो डूइंग फील बैटल राइट नाउ। और क्या नॉक निकाला है यहां पे जीएस लेजेंड का भाई खान। यहां पे अब टीआर वाले लड़के जरा हैरान हो गए कहां, और आखिरकार उसको ले लिया गया यहां पे। और यहां पे अब है 2v2, एक रिवाइव हो चुका है जीएस का, फाइट है टीआरटी टीआरटी। ओह माय गॉड, मार देगा। यार वो क्या मारा है, क्या पहला डब्लो जीरो एचपी। आई थिंक उसने बहुत गलत किया जो ऊपर से जंप करके आया। भाई तू जोन से वैसे ही डैमेज खा रहा है, ऊपर के जंप करके आ रहा है, मरेगा ही। मैन व्हाट अ फाइट यार, क्या फाइट निकाली है इन लोगों ने। जीएस प्ले वेरी वेल, लास्ट सर्कल तो क्या ही खेला है इन लोगों ने, 8 किला इन लोगों के पास। टीम नंबर 2 टीआरटी जिनके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज था, अच्छी जगह थी, अच्छा जोन था, ये आराम से इन्होंने जल्दबाजी में डेब्लो वहां पे कर दी जहां पे इन्होंने एक इनका नॉक किया जीएस वालों का और नीचे वालों को नीचे जीएस 2 था जो उसको भी मार दिया। जाना था ना क्योंकि वो था आखिरी बंदा बचा हुआ था ना, तो वो तो रश करना ही था उनका।
वही ना, अगर थोड़ी देर रुक लेते ना वहाँ पे, मुझे समझ वो नीचे नहीं था। मुझे ये नहीं समझ आई कि इनका जो तीसरा बंदा था जो हिल बैटल कर रहा था वो किस वजह से कर रहा था हिल बैटल। भाई तुम लोग जोन में हो, तुम्हारे पास कवर है, आगे एक बंदा नोक पड़ा, एक बंदे से क्या हिल बैटल करनी है तुम्हें। VFX डिटेक्टर कैसे हो मेरी जान, VFX डिटेक्टर यार क्या, एक मिनट, डिटेक्टर क्या खेल रहे हो जानी आप। राफी गेमिंग वेलकम, हैवी लेजेंड बहुत हैवी खेला है डिक्टेटर, आज क्या खेल रहे हो जानिए। लेट ले तो क्यों उतरे हुए थे VFX वालों। नंबर 3 के जो टीम नंबर 3 है 3 4 5 6 के लाइन के पास, और टीम नंबर 4 SW के पास भी 6 किल है। ईओडी के पास कोई किल नहीं है आई थिंक, यस नहीं एक किल है ईओडी के पास। D7 के पास 2 किल है जो कॉप ने लिए हैं। कैप्टन टीम नंबर 7 सातवें नंबर पे हैं एमएम वाले, जिनके जिनमें से सिर्फ 2 किल हैं वो भी हुज नेक्स्ट के पास हैं। नाइस। टीम नंबर 8 दो प्लेयर्स थे सिर्फ टीम नंबर 8 में आई थिंक, बंदे इनके डिस्टेंट में भी शायद निकल गए बाहर। टीम नंबर 9 के पास 3 किल हैं। टीम नंबर 10 है जो उसने काफ़ी अच्छे किल्स निकाले हैं, 5 6 6 और 4 10 किल हैं टीम नंबर 10 के पास। काफी अच्छी मैच निकाला है इन लोगों ने, लेकिन टीम नंबर 10 बहुत मतलब 10वें नंबर पे इन्होंने फिनिश किया पर 10 किल थे इन लोगों के पास, ये काफी अच्छा निकाल सकते थे मैच। 11 पे फिनिश किया RVG ने 2 किल्स के साथ। टीम नंबर 12 पे फिनिश किया एक्स वालों ने, सिर्फ 3 किल है उनके पास। टीम नंबर 13 पे फिनिश किया ये शमू गेमिंग, इन बहुत दूर उतरे थे जर्की वाली साइड, लेकिन फिर भी आगे रोटेशन में आई थिंक ये लोग मारे गए वहाँ पे। VFX वालों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, आखिर एक बंदा जो डिसकनेक्ट था मेरे ख्याल से सुफियान, वो अलाइव था, बाकी तीनों मर चुके थे, तो वो बड़ा मजे का सीन हुआ इन लोगों के साथ। डब्लो अच्छा मैच हुआ यार, बहुत अच्छा मैच हुआ। लेजेंड ने भाई तबाही फेर दिया लेजेंड ने। जितने भी पहले वाले मैच थे उनमें से ये वाला मैच मेरे ख्याल से जो एंड हुआ है ना, जो मैंने बोला था ये मैच तगड़ा होने वाला है। अभी यह कि हमें VFX की भी फाइट अच्छे से देखने को नहीं मिली, लैदर लैदर उतरे हुए थे, ठीक है ना, काफ़ी लोग जोन के में रोटेशन के में मर गए, ठीक है ना, तो मतलब टफ फाइट देखने को मिली नहीं। नाइस। ओके यहाँ पे GS लेजेंड है, 7 डिफीट है, 7 किल है इस बंदे के, 7-7 बंदों को डिफीट किया है इसने, और अच्छा डैमेज निकाला यार, 1300 डैमेज है इस बंदे के पास। बेस्ट कंपेनियन 4 रिवाइव दिए क्लच गॉड ने, GS क्लच गॉड ने, और जो GS लेजेंड के अच्छा तीनों बंदे हैं स्टार ऑफ द मैच GS वालों के। नाइस गाइस, नेक्स्ट रूम आने वाला है, लास्ट रूम है आई थिंक। यप द लास्ट रूम, 5 मिनट में रूम आईडी पासवर्ड आ जाएगा, खेलना था। आ जाओ बनाते हैं रूम, छोड़ ऐसे खेलते हैं। मैच बहुत अच्छा हुआ है। हाफिज इमरान भाई हमारी टीम ने 7 नंबर पे फिनिश किया, डॉक्टर साहब की टीम ने। वो बताया तो लैग नहीं आ रहा उसका नेट की वजह से। Team match, let's go. तेरा नेट इस टाइम अच्छा, तेरा पीसी अच्छा, तो क्या हम गरीबों के साथ खेलेगा हैं? नेट नहीं अच्छा, पीटी सेल है। नेट क्यों मार रहे हो यार? ऐसे कौन करता है यार? ओए इधर हो, इधर हो। The blue team has scored for the first time. मेरा नेट अच्छा, मेरा पीसी अच्छा, पर जो
डेब्लो की कैंपर की स्किल है ना वो सबसे अच्छी है, तो फिर यार मेरी थोड़ी हेडशॉट लग गया था, मेरी हिल नहीं थी, मैं क्या करता। ये देख मैं अभी रिलोड कर रहा हूँ, हालांकि रिलोड मैंने कवर में खड़ के गई थी, नेट है नहीं ऊपर में था भाई, मैं अपने पास कवर में खड़ा था ना। ये नेट मेरा चेक कर रहा है, मैं एक शॉट मार रहा हूं तो नहीं मार रहा, दोनों दफा भाई मैंने हेड मार, मैंने हेड शोल्डर लग रही है तेरी साइड नीचे लग रही है। ये दे अबे क्या हो गया मेरे नेट को यार, नेट के यार यकीन मत, नेट को अचानक दरमियान में झटका पड़ जाता है, होता होता है कोई बात नहीं। ओ बहन दी सीरी ओ आवाज आ रही है। हां डियाब्लो यस राइट पे अंदर लेफ्ट पे। एनिमी डाउन। वालेकुम अस्सलाम हादी भाई, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो सारे गाइस? क्या लगी है लकवी? साउंड नहीं आ रहा भाई, साउंड नहीं आ रहा सर। राब खान भाई रिफ्रेश कर लो अपनी स्ट्रीम, और आपको साउंड नहीं आ रहा, गेम का साउंड नहीं आ रहा था मेरी तरफ से, हर चीज ओके है ब्रदर। चैटर छुपा रहेगा डेवलो, किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम। भाई लोकेशन दे के छुप रहा हूं ना मैं, कोई बाहर थोड़ी छुपा हूं। नाइस लकी, क्या बचे तुम? अब नहीं बचे हो कहीं, नहीं उसकी शादी हो गई थी। यस लास्ट मैच है ब्रो, इसके बाद लास्ट मैच है एक और। तो याद 105 का डैमेज लकी दे रहा। ये क्या 105 का डैमेज, इतनी जल्दी तो रिफ्रेश नहीं होगा बंदा। मेरी गन स्विच नहीं हो रही बहन दिस में, मेरा पैर ही लगा फिर लगी तो है, लेकिन बॉडी लगी ना, मेरा हेड लग गया। नेट कल ठीक होगा भाई जान। नाइस शॉट। नेट नहीं लैग हो रहा, स्टीम लैग हो रही, स्टीम नहीं लैग हो रही, और गेम लैग हो रही है। लकी थोड़ी अच्छी हो गई स्नाइपिंग वापस है ना M24, बहुत अच्छा खेल रहा है पता है। नहीं पहले भी अच्छा खेलते थे लेकिन अभी कुछ वापस सही हो गई है, बीच में छोड़ दी थी इतनी। मद अंसारी वा अलैकुम अस्सलाम, वेलकम टू स्ट्रीम, हाउ आर यू ब्रदर? वहीं पे हूं मैं भाई, लास्ट मैच का जो एंड देखा है ना मजा आ गया, वो वाला एंड देख के। दोबारा उसी नौकर में बैठ जा डब्लू। अच्छा वहीं पे हूँ, वहीं पे हूँ। बॉट भाई डब्लू, बॉट अपनी तो चैट पब्लिक। आज लोप कब नहीं था यार, लोप कब था हादी? क्यों भाई खुद सोचो, बंदा इमरजेंसी लगा के आया, बंदा 3 घंटे में इमरजेंसी था उसके बाद आया। नाइस शॉट। तो क्या हुआ हादी, रूम बन रहा है ना? रूम 3 मिनट रहते हैं रूम बने। ओ माय गॉड AWM OP इन द चैट गाइस, लाइक एंड शेयर द स्ट्रीम एवरीवन। गाइस सब के सब यार डायब्लो गेमिंग को जाके YouTube पे सब्सक्राइब कर दो,
YouTube पर जाके सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। ओए नकवी क्या यार 105 का डैमेज लगा हुआ तो अभी भी इतना ऊपर है फिर भी हालात क्या बदला है। हाँ जान के आ जा डबल जान के ना जान के डबल नहीं आना जान के यार ये क्या गाइस 1 लाइक रहता है 50 लाइक हो जाएंगे जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मेरा लगा है तुझे 120 का डैमेज ये लगा नहीं ना। अच्छा नहीं रजिस्टर नहीं हुआ लगा है मेरे नेट की वजह से रजिस्टर नहीं हुआ। नकवी ख्याल कर गुस्सा आ गया है मेरे बोला मैं यहां पे खेलता हूं ना बोला यहां पे चढ़ के इधर आओ बच्चों के साथ बच्चों के साथ खेलता था यहाँ पे छुप के नहीं छुप के नहीं तुझे कंफ्यूज किया कि किस जगह से निकलेगा। हाँ लुकन छुप ही खेल रहा अच्छा वहीं पे कसम से मैं अपनी तरफ से कवर पे खड़ा हुआ हूँ कवर के बाद लगी है मेरी टीम है Oh my god, Takvi, you are come back? Me not come back, me pro bro. Me no pro. Target down. Nice. Jeez. Guys, sare like ka button daba do please kindly aur share kar do stream. Jesus ne share kiya hua. Fatafat se. Oh my god sab log kitna chupega Diablo kitna chupega kitna chupega Diablo itni lead hai phir bhi chup raha bhai kya kya banda bhai aa raha bhai Diablo itna chup jayega kisi ne sochi na hogi kya kehta hai kya kehta hai kisi ne sochi na hogi yaar game ho rahi hai hadi stream lag nahi ho rahi पड़ी हुई है यार देखो मर जा यार ले ले गाइस लास्ट रूम है इसके बाद टूर्नामेंट का किधर है डबल लेफ्ट है राइट है इधर है यार क्या बता मतलब छुपा हुआ फिर से लोड कर रहा हूं यार खुदा की कसम नजर लग क्यों नहीं रही भाई आपने कहते टूर्नामेंट यार मैं स्पेक्टेट कर रहा ना ये भी स्ट्रीम कर रहे हैं हां नकवी करते लेकिन फेसबुक पे नहीं लगी मुझे रजिस्टर नहीं रीलोडिंग अब तो आजा सामने 40 सेकंड लगे अब तो सिर्फ तेरे गन से तेरे मारूंगा तुझे शो हुआ ये भी शो हुआ था ब्लड रोम आईडी पासवर्ड आया The red team doesn't have a lot of time left. Hey gaming, hello bro. Today my birthday hai. Please, aap gift. Ha, yaar. Isliye to bhai main aaj mareez hu main. Aap mujhe sponsor karo. Main Target down. Mujhe nahi laga. लगा मैं, भी हेड पे ना नहीं मुझे नहीं लगा मैं, नहीं होता मैं गुर्दे के पेन की वजह से अब आके मैं इधर बैठा हूं स्ट्रीम कर रहा हूं चला जब वो आ गया मेरे घर से आईडी पासवर्ड देख तो क्या सीन है आया आईडी पासवर्ड आ गया ना आ गया चलो आ जाओ लास्ट रूम हां
गाइस रूम का आईडी पासवर्ड आ गया है, रुक जाओ हम लोग जरा रूम ज्वाइन कर लें। ये रूम आईडी सही लिखी है? सही है, मैं इन हो गया हूँ। स्लॉट ओपन है, जल्दी आओ। इनको इतने इतने सारे को क्यों बिठा दे? अच्छा दानी रोबी है। नहीं नहीं किसी वजह से नहीं बिठाते, सही है ना, हर बंदे पे नजर रहेगी। नहीं वो ठीक है, मैंने मुझे मैंने देखा ना कौन सही है। ओके ये बाहर की टीम है क्या? ब्लैक आदि भाई आपको अगर नहीं पता तो सुहानी, अगर आपको नहीं पता तो आज मैं इमरजेंसी में था, ठीक है। तीन से आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है। 3 बजे से 7 बजे तक मैं इमरजेंसी था, मेरा किडनी का मसला हो गया, तो कह रहे हैं पत्थरी है शायद, कंफर्म नहीं है। तो आई हैव अ स्टोन इन माय किडनी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है आज। मैं भी स्टीम भी मुश्किल से मुनीब की वजह से कर रहा हूँ कि उसका रूम बन जाए, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, तो दुआ करो यार कि ये ठीक हो सब कुछ।
पास ये एक गेम लूप का टूर्नामेंट है। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच सोनी। कैसे एंटर करें साथ भाई? ये कस्टम रूम नहीं, रिम्स के रूम है। ये पबजी गेमिंग टू यू, हर दफा ये कहती हो। भाई सब एक दफा यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। होने वाला है स्टार्ट 11:10 पे स्टार्ट होना है। हो जाएगा, अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये असल में वो टीम बंदे निकाल रहे होंगे। लव यू सोनी, किसे बोल रही हो? लव यू सर भाई, वाचिंग सही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वाचिंग ठीक हो जाए। हेलो यू बैक डैमनो डायनामो? यस यार, वो जरा पेन हो रहा था, मैं वॉशरूम गया था, फिर पानी टिका के पी के आया। हैपन टू यू माय ब्रदर एंड वेयर यू गो? बाय बाय। यू नो नो आई हैव अ स्टोन इन माय किडनी, देयरफॉर आई एम जस्ट फील पेन। ओके सो डब्लो सारी बाई की टीम्स है। या बेबी ये ना पहले मिक्स कर रहे थे तो मैंने कहा नहीं मिक्स नहीं करो, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों से भिड़ा हुआ, अभी फाइनल में देखेंगे ऐसे पिंक का इशू ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है। ओके इसमें से ना टीम 6 मेरी है भाई, और बहुत सारी टीमें थी वो भी मेरी अभी मेरी। ओके डेविल भाई ये मुझे नकवी लग रहा है। गाइस यू प्रेस द लाइक बटन एंड डू फॉलो एज वेल। नकवी यही Welcome to the stream, everyone. It's our last match of Loop Cup. Yeah, brother. क्या? मैंने कहा यही गुर्दा बेच के वो ना ले लूँ, क्या कहते हैं iPhone. Yep. Choco choco. Okay. Let's see. ID password. PUBG Gaming, bro. ये कोई screams या tournament रहे भाई? आप क्या समझ? Okay. S to S V 8 W U Black S A इनमें भी काफी सारी टीम्स हैं जिनके टैग नेम डिफरेंट्स हैं। FLCN CC ITG I think this one is Coco Coco maybe the team number 10 team number 14 separate team number 16 Choco the team number 17 okay here we go team number Sani किसे लव यू बोल रही हो? नाम तो लो उसका। सर्कल हो सकता है कि जॉर्जो पुल की साइड पे शिफ्ट करे। लेट सी ये सर्कल ब्रिज के इस तरफ रहेगा आई थिंक सो। मिलिट्री साइड ब्रिज के इस तरफ मिल। अबे कार है भाई, कार कारें आ रही हैं, कारें। टीम नंबर 4 टीम नंबर 4 टीम नंबर 4 वाईटी नंबर 4 ओके ओ मैन सी सी ओलिव सॉरी टीम नंबर 10 है इनके साथ आ रही है बंदा, वो टीम नंबर 10 का है। सीसी ओले वाईटी ये भाई इसके पता है कितने, इसके 53-54 के सब्सक्राइबर भी है माशाल्लाह से। ओके 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 हां ही इज फुल अपग्रेडेड मैन, नाइस। लेट्स सी हाउ ही फाइट। डोंट वरी योर ब्रदर आल्सो हैव अ वन कार एंड सेकंड कार इन नेक्स्ट वीक, डोंट वरी। ऑलिव हियर, अच्छा ये लोग उतरे हैं किश्नाया में आई थिंक। ऑलिव लोग
अच्छा यार ये खुद ब खुद कैमरा जो चेंज हो जाता है ना ये बहुत गलत। ये स्नैप एक और स्क्वाड है वो फाइट होगी इनकी। ओके टीम नंबर 10 इज हियर एंड टीम नंबर ओह माय गॉड यस V8 V8 का पर एक ही बंदा है डब्लू यहां पे। ये टीम नंबर 17 ओपन में टीम नंबर 17 और 10 आई थिंक ओपन में 10 नहीं सॉरी 5 भाई ओपन में आए हैं घरों में घुस रहे हैं जिसके हाथ गन लगी उसकी लाठी इसकी भैंस वाला काम है। ओह मैन चोको चोको वो सबसे पहले पहुंचा। ओ भाई ये क्या सीन हो रहा है। ओके लेट्स सी पिस्टल वर्सेस मिनी। ओ पिस्टल से नॉक नाइस नॉक मैन जीजीज बंदा नॉक है और चोको स्टार के पास एक शॉट गन। लेट्स सी गोइंग टू डू ये रिवाइव ले ले या फिर ओके यस यूएमपी नाउ आई थिंक चोको फिनिश हो जाएगा यहां पे। रिलोड चवल ने रिलोड गन स्विच कर दी गन स्विच कर दी इस टू बिग मिस्टेक। ओके डब्ल्यू यू वेल प्ले चोको के कितने टीम टीम में इन्होंने फिनिश किया दो फिनिश हो गए हैं चोको स्टार के चोको एंजा एंड चोको स्टार फिनिश। ओह माय गॉड जोन उल्टा चला गया है। नाइस नाइस ये वही बनेगा पिछले मैच वाला। यप द गोल ओके एक और नॉक निकल गया इनका तो नाम भी नहीं पढ़ने देने जस्ट वेरी ये कहां पे फाइट हो रही है स्कूल के ऊपर फाइट हो रही है स्कूल जा सब्सक्राइब कर दो वी आर क्लोज टू 60 लाइक यार। अच्छा जोन है अब जोन देख एक साइड पे है बिल्कुल डब्ल्यू सारा जोन एक साइड पे शिफ्ट हो गया है और जो टोटल टीम्स है सब जोन से बाहर हैं कुछ टीम्स हैं वो भी जोन के एजेस में हैं एक टीम है जो हॉस्पिटल के ऊपर है एडब्ल्यूएम वाले। असल में ये था ना कि उन्होंने यही सोचा था कि भाई वो हो जाएगा कि मैप के लिहाज से जोन उधर ही बनना था नोवा या लिपोप का ठीक है लेकिन जोन उन्होंने कहा कि ना ही भाई और जोन छोटा लग रहा है ऐसे लग रहा है कि सेकंड जोन है देख। हाँ भाई लग तो रहा है कोई ना ये सेकंड है कि फर्स्ट जोन ही है लेकिन असल में ये आ गया ना कि वो एक साइड पे बना है ना तो काफी वो कट रहा है पानी में ना तो इस वजह से हमें छोटा लग रहा है और तीन टीम्स हैं उसपे मिलिट्री बेस है सो उनकी फाइट होगी अगर तो बड़ा मजा आएगा। पचिंकी के कंपाउंड्स में एक टीम है स्कूल में एक टीम है पचिंकी में एक टीम है तो फाइट अच्छी अभी स्टार्ट में ही हो सकती है रोटेशंस के दौरान अच्छी फाइट होगी। ओ गाड़ी से उतार दिया सिवरनी में गाड़ी से उतार दिया डब्ल्यू यू ने वी एट को भाई गाड़ी से आयरन सैड कारल आयरन सैड गाड़ी से उतार दिया उसने कहा किधर जा रहा है भाई इधर चल रुक और गाड़ी भी टेस्ला से उतार रहा है टेस्ला से। वाओ व्हाट अ नॉक मैन नाइस ये बॉय ये समथिंग स्पेशल फॉर मी सोप यू हैव अ समथिंग स्पेशल फॉर मी बिकॉज़ आई लाइक दिस स्किन M16A फॉर ऑरेंज येलो गोल्डन ट्रिगर आहा ओके यार ये सेकंड जोन क्यों लग रहा है जैसे जिस तरह सेकंड जोन स्टार्ट है नो इट्स फर्स्ट जोन बिकॉज़ ऑफ हाफ जोन इज आउट ऑफ द सर्कल आउट ऑफ वाटर देयरफॉर यू कैन सी। ओके मिलिट्री बेस वाले शिफ्ट कर रहे हैं दो टीम्स हैं जो दोनों टीम की ब्रिज पे आ रही हैं तीनों टीम ब्रिज पे आ रही हैं तो लेट्स फाइट होती है यहां पे क्या सीन होता है रोटेशन चेक कर रहे हो कितनी स्पीड से रोटेशन दी जा रही है अभी जोन स्टार्ट होने में भी ना पहला जोन स्टार्ट होने में भी 50 सेकंड्स हैं और इन लोगों की लूट कंप्लीट हो चुकी है और ये रोटेशन देने के लिए तैयार है डब्लो ये चीज़ है ना जो ये पाकिस्तानियों में या दूसरे प्लेयर्स में ना बहुत कम है क्योंकि इन्होंने इतनी जल्दी स्पीड से लूट किया है लूट करके और रोटेशन देना स्टार्ट कर चुके हैं ये लोग। मिलिट्री ब्रिज फाइट असल में ये लोग जो है ना ये लोग
ये गेम को गेम समझते हैं शुगल के लिए। हम हमारे पाकिस्तानी है ना, हाँ बना लेते हैं, मतलब वो कहते हैं ना जी हमने तो बीमा कराया हुआ, मरना तो है ही नहीं। टीम नंबर 20 का टीम 20 के एक प्लेयर को खत्म कर दिया गया यहाँ पे, और 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 एक अच्छा नीड बट डैमेज नहीं दे सका टीम नंबर 6 के प्लेयर का, और ये एकेएम का फायर टीम नंबर 20 के स्पेशल नाम नहीं आगे मैं पढूंगा, प्लेयर का क्या नाम है यार ये, काफी अच्छा कवर फायर बट वो भी 1 एचपी था तो चेक द नीड एंड स्मॉलीज स्मोक हर चीज यूज की जा रही है। लास्ट लास्ट बंदा बचा था, ये मैन एक नॉक है और एक ही रहता है स्पेशल वॉल के नाम, उसको भी आई थिंक फिनिश कर दिया जाएगा। ओपी नाइस नॉक एंड फिनिश करने की ट्राई की जाएगी लेकिन फिनिश फिनिश नहीं हुए, और क्या सेव किया गया है नॉक की तरफ से। नाइस मैच, काफी अच्छा खेल रहा था लड़का, बहुत अच्छा फाइट यहाँ पे एग्जीक्यूट की गई है इनकी तरफ से, और फाइट कहाँ पे हो रही है अगर कहीं पे तो लेट्स गो। ओके एक स्क्वाड अभी भी कमिश्की में है तो उसके बारे में क्या कहेंगे डब्ल्यू भाई आप, एक ही बंदा है कमिश्की में आई थिंक, हो और पचिंकी के थोड़ा सा बाहर गाड़ी आपस में टकराने वाली है। अस्सलाम वालेकुम डब्ल्यू भैया, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? पचिंकी की तरफ से गुजरी है टीम टीम 14, उसके साथ ही दूसरी गाड़ी जा रही है टीम 9 के स्क्वाड स्क्वाड है भाई। 0 एचपी कर दिया गया है बाइक वाले को, अच्छी स्प्रे दी गई है स्प्रे फ्रेंड्स को, स्प्रे वाले भैया को उतार लिया जाएगा, एक बुलेट का है भाई उतार दो बच दो। टीम नंबर 18 के फाइट हो रही है डीएफब्लू हॉस्पिटल पे फाइट हो रही है। One up, right? Can you cast in English, bro? My English is very low, yaar. I will try my best. Here. Oh man, what a knock! One squad finished. One man remaining. Team number 16 को 16 ने क्या मारा है? डेमो? Yes, legend. Hello. ये भी loop cup है. जी जी, यही loop cup की जो है officially cast यही पे हो रही है. I cannot understand your language. Yes, bro. I know one. I know you cannot understand our language, but I. डब्लू आपने देखा नहीं है कि टीम नंबर 16 ने किस तरह इनको मारा है? सर. बंदा उस साइड पे था, एक मतलब हर तरफ से एक उनको घेरा हुआ था और क्या? सर, I like the. I like the gameplay like that. शोन गेमिंग, हाँ लेजेंड, ये अरबिक ग्रुप है, जीएस लेजेंड भी आए हुए हैं जिन्होंने उस टाइम 1v3 मारा था लास्ट जोन में। लेजेंड भाई अपने काफी अच्छा मारा था। हियर वी गो टू वेयर इज सर्कल। ओके आप एक चीज चेक करो इस मैच की, इसमें ऑलरेडी काफी सारी मतलब किल्स निकल चुके हैं, काफी सारे लोग फिनिश हो चुके हैं। 49 अलाइव राइट नाउ, सिर्फ फर्स्ट जोन 49 सर्कल खत्म हो रहा है। आमिर अली शाह 200 टीम्स रजिस्टर्ड। ओके मिलिट्री के ब्रिज पे एक टीम क्रॉस कर रही है और सामने ही पेट्रोल पंप जहां पे होता है वहां पे दूसरी टीम है अभी फिलहाल। बोथ आर रोटेटिंग ना, जी लेजेंड देखा था आपकी फाइट बहुत अच्छी थी आप, हम उस वही देख रहे थे 1 HP पे आपने 1v3 मारा था दोनों वाला गटका वाला फाइट गटका के पास वाली 1 HP पे नहीं था वो 1v3 वाला। क्यों आवाज आ रही है ना, चैट पढ़ रहा ना इसलिए मैं मैंने कहा लेजेंड भाई आया हुआ स्टीम पर पूछ रहा है कि ये भी लूप कप, मैंने कहा लूप कप ही तो यही तो ऑफिशियल है फेसबुक पे हो रही है। यहां सीसी वाले दे रहे हैं रोटेशन दे रहे हैं बीच में से और साइड पे टीम्स तो हैं इनके और यहां ओके हियर वन मैन डाउन डाउन और फिनिश्ड फिनिश इट्स टू मच फास्ट गेम प्ले
और अरेबिक गेम प्लेयर क्योंकि सीसी का एक 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 फिनिश किया गया है शिफ्टी शिफ्ट शिफ्टी को और तीनों एक अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं लेकिन इनके सामने एक और टीम है जहां पे ये लोग जा रहे हैं लेट्स सी बट यू कैन सी ना नो डिले बिटवीन नॉक फिनिश भाई बहुत फास्ट गेम प्ले है ये वाला ना जो ये गेम प्ले कर रहे हैं ना बहुत माय फेवरेट भाई क्या मतलब अभी अभी पहला जोन ये दूसरा जोन है ना हाँ दूसरा जोन अभी स्टार्ट हो चुका है अभी 3 मिनट है अभी दूसरा जोन अभी स्टार्ट होने में 3 मिनट है और ऑलरेडी काफ़ी सारी फाइट्स हो चुकी हैं मतलब ना फिनिश काफ़ी निकल चुके हैं तकरीबन 60+ पीपल ने के पास था ये और ये जितनी भी ये देख रहे हो आप डिफीटेड में काफ़ी सारी किल्स निकाल चुके हैं अच्छा टीम नंबर 2 के अभी 4 के 4 अलाइव हैं पूरा स्क्वाड रहता है एस टू एस का टीम नंबर 4 3 अलाइव हैं टीम नंबर 5 4 अलाइव हैं अभी काफ़ी सारे हैं स्क्वाड जो फुल हैं और किसी किसी के हैं जो कि एक या दो उनके पास है जैसे कि टीम नंबर 17 चौको के जो दो उतरते ही फिनिश हुए थे पिस्टल और पूरे स्क्वाड के एजेंट चौको के 17 के टीम के 2 बंदे हैं अभी तक वो सरवाइव करेंगे ना सरवाइव पॉइंट लेंगे इंग्लिश विच बुला लेंगे किसी को अरे नहीं यार मुझे खुद अच्छी इंग्लिश आती है बस जरा अभी वो क्या कहते हैं ना जबान रवा नहीं है बोल लेंगे ओके नाइस हेड शॉट ऑलिव चेक ऑलिव नाइस हेड शॉट बाय ऑलिव सॉरी अशन ना कर रहा है ऐसे बात CC versus Black. Who will win this? Try in English casting gonna be cool, dude. Yeah, I will try my best because I am graduate person. But my English is very weak because many time. Not try to speak. Okay, यहाँ पे fight हो रही है team number 10 की और team number 6 की. Team number 10 के पास एक ओली के पास एक मोज़िन है with 4x और Scarl. Let's see. What can a fun casting bro yeah he... team number 10 ke paas skill koi nahi hai वैसे अभी तक क्योंकि इनका एक बंदा नॉक फिनिश हो चुका है हो गया मैच लॉक सबका यस उनका मैच हो चुका है हां सही है सही बजा ढोल ओके अभी थोड़ा सुकून हुआ है इन लोगों में डब्लू अभी थोड़ा चिल माहौल है अभी टीम्स अपनी अपनी जगह पे बैठी हुई हैं रश नहीं करी किसी के ऊपर यस यस रोटेशन का रश था ना वो काफी सारे बिकॉज़ एवरीवन फॉर जोन एट फॉर जोन यू नो देयर स्ट्रेटजी इज दैट इन स्टार्टिंग होगा आपके ख्याल से कि जोन किस साइड को जाएगा गटका ये सेम जोन लग रहा है जिस तरह टीम नंबर ग्रुप डी के साथ हुआ था ना ये सेम जोन था इसी तरह का और गटका बन रहा था और लेफ्ट साइड पेरी भी जोन के अंदर था उस टाइप पे ये सेम जोन था और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जितनी टीम थी अभी भी उसी तरह बैठी हुई है और ये जोन राइट को ही शिफ्ट होगा अगर ये वही उसी तरह का शिफ्ट हुआ तो राइट का जोन शिफ्ट होगा और लेफ्ट वाले सारे बेचारे जोन से बाहर हो जाएंगे ये सेम सीन होगा भाई इनकी गेम प्ले Nakvi bro, tell me one thing. What is the difference between Pakistani gameplay and this gameplay? But difference कुछ नहीं है इन लोगों के पास main चीज़ है device बहुत अच्छी है पाकिस्तान किसी के पास भी इतनी अच्छी No, not about device and anything. Net. यार listen game sense of sense and humor. Game क्या है ये qualifier है qualifier में ये इसी तरह खेलेंगे. जब ये ऊपर सेमीफाइनल में इस तरह खेलेंगे ना फिर देखूंगा फिर देखने का मजा आएगा उस टाइम ना अभी तो पहले एक मिनट में मैंने लूट किया और रश करना भी स्टार्ट कर दिया था नाइस मिनी किस पे दिया जा रहा है यहां पे टैप टैप करके काफी डैमेज दिया इसने यू नो इन पाकिस्तानी प्लेयर डू फर्स्ट प्ले फॉर अ पोजीशन नॉट फॉर अ किल्स बट दे प्ले फॉर अ किल्स देन when they get a kills then they will slow play for a zone and then after zone they will play a good for a game after this zone you will check they will rush again and again check my english
नहीं जाए ना कभी। Oh my God. Okay, team number 10 के पास एक छोटी सी hill है वहाँ पे, काफी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जगह पे वैसे, और इन्होंने compound hole किया हुआ है, यहाँ से tap tap fight हो रहा है, और इसके पास ओली के पास वो अच्छा। यार देखो मैं बताता हूँ अरबियों का क्या सीन है, अरबियों का ये सीन है कि अरबियों की अरबियों का सीन है वो क्या करते हैं, लूट करके उनकी ना वो रश करते हैं, पहले किल निकालते हैं क्योंकि उनको पता है हर कोई रोटेशन ले रहा होगा तो किल निकालने आसान है, वो पहले किल निकाल के पोजीशन होल्ड करते हैं, फिर सेफ खेलते हैं, फिर सेफ खेलते हैं, फिर जाके वो क्या कहते हैं एंड में खेलते हैं तेज। हम क्या करते हैं, हम लूट करते रहते हैं, लूट करते रहते हैं, जो हमारा में हमारी टीमों में से जो बंदा पोजीशन लेके बैठ जाता है वो जीत जाता है, बाकी वाले मर जाते हैं, समझ रहे हो बात, ये होता है डिफरेंस। वरना ब्रो आई विल ट्राई, मैं टीम नंबर 17 का एक और बंदा मार दिया गया है, लेकिन मारा किसने, ऑटो। ओ ओके, व्हाट अ नेड, ओ मैन, ओके डब्ल्यू यू अगेन ने खत्म कर दिया इसके सारे बंदे ना, लेट्स गो। ओके मिड जोन है ना, ज्यादा लेफ्ट गया है ना राइट गया है, बिल्कुल मिड में जोन बना है और सारी टीम आउट ऑफ द जोन राइट नाउ, तो अच्छा शिफ्ट मिलेगा, ओली की टीम भी बाहर है इस टाइम पे। ओके अभी भी चिल सीन है जोन के हिसाब से, काफी सारे एरिया है जो कि टीम्स आके ले सकती हैं, लेकिन मेन होगा नेक्स्ट जोन, क्योंकि यह जोन ज्यादा ओपन वाला जोन है, कंपाउंड इतने ज्यादा नहीं है इस एरिया में, या तो ये नीचे का शिफ्ट हुआ अगर क्वेरी की साइड तो काफ़ी मुश्किल होगी सब टीम्स के लिए, क्योंकि क्वेरी में कोई टीम नहीं बैठी हुई, जो भी पहले चला जाएगा वहाँ पे तो मुश्किल करेगा पैदा बाकी टीमों के लिए। ओके नाइस कार डूड, रोटेशन स्टार्ट गाइस, yes you can see every fight, every fight bro, because everyone now anyone do fight I will show you, still alive, double ek achhi fight hone wali hai end mein zone ka, abhi log thode scone se khel rahe hain, pehle jo बस सर्कल में जो चीज़ हुआ है ना 20 से 25 बंदे किल हुए, वो बड़ा देखने वाला था भाई, क्या रश हुआ है, क्या नॉक फिनिश किया एक दूसरे को। देखिए भाई हमारे पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, पहले वो सुकून से लूट करते रहते हैं फिर रोटेशन लेते हैं, ठीक है, ये कार क्या करते हैं, ये इतनी लूट करते हैं कि फाइट कर सके हल्की सी, फिर ये रोटेशन लेते हुए बंदों को पकड़ते हैं, नॉक फिनिश करते हैं, उसके बाद ये पोजीशन लेते हैं, बैठ जाते हैं, क्योंकि हम में से आपने देखा होगा हम में जब भी लोग हमारी टीम पाकिस्तानी टीम जब भी मरती हैं रोटेशन लेते हुए मरती हैं, क्योंकि जो दो चार टीमें रोटेशन पहले होल्ड लेके बैठी हुई हैं वो तो उनको रास्ते में ही पकड़ लेती हैं, समझ रहे बात, ये पहले किल निकालते हैं, फिर पहले किल निकालते हैं, फिर पोजीशन संभालते हैं, सर्कल देखते हैं, उसके बाद एंड में घुसते हैं। टीम नंबर 9 का एक नॉक था लेकिन रिवाइव कर दिया जाएगा उसको, अभी नॉक हुआ है, एफएलसीएन क्लैन है। ओके टीम नंबर 16 ने हेडशॉट दिया आई थिंक, यप, पर टीम नंबर 16 आल्सो आई थिंक मूविंग फॉर जोन, पर वो जोन के अंदर ही है, तो अभी लेट्स सी फाइट यहां पे एंगेज करते हैं, और क्या करते हैं M249 ओके विद लेवल 3 लूट, नाइस गाइस, दिस टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय M24 and emulator gaming community and sponsored by game loop, please go and check in description link, join game loop discord server, game loop page, everything, and download the game loop for supporters, please, thank you, this tournament is sponsored by game loop. Because of my kidney problem I have some pain there, cool now, devil devil mein register nahi ki thi yaar, devil bhai main aap abhi
ये होता है ना वो एक सिंपैथी लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं 3 बजे आज मेरे गुर्दे में ना दर्द हुआ है, तो मैं 3 बजे से आया हूँ, 8:15 बजे आया हूँ घर आया हूँ, 8 बजे फिर मैं स्ट्रीम करने की 3 o'clock just take rest 50 minute and I will start streaming because of tournament I have stone in my kidney just first time I feel pain in my kidney oho circle check mcvi bhai gatka I told you हाँ ना वही ना मिड सर्कल बना है टीम नंबर 7 का एक नॉक है लेकिन नॉक किया कहाँ से गया ओके टीम नंबर 5 की तरफ से इसको नॉक किया गया टीम नंबर 7 एक प्लेयर को लेकिन रिवाइव मिल चुका है और ये काफ़ी दूर की फाइट है लेकिन इनको जोन में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट बाद और जोन स्टार्ट हो जाएगा भाई अभी भी 46 लाइव है मरे नहीं है ये लोग बहुत अच्छा जाने वाला है इस टाइम ये लोग बोला था ना स्टार्टिंग में किल निकाल के फिर स्टे करेंगे और एंड में इनॉग्रेशन मारेंगे देखना to press the like button everyone and do follow as well okay rotation start zone is coming in 3 seconds 3 second baad zone start ho jayega devlo aur kafi sari teams hain kafi nahi 3 teams hain jo abhi zone se bahar hain aur ek acha fight team cc fight I think अच्छी स्प्रे दी गई थी लेकिन वो बच के निकल गए यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव जोन में जाने का सारी टीम की रोटेशन हो रही हैं अब सारे जोन में जा रहे हैं B8 वाले अभी भी जोन से बाहर टीम 10 इज फाइटिंग टीम नंबर 9 और टीम नंबर 7 बिल्कुल आस-पास हैं बिल्कुल क्लोज में इन लोगों की फाइट हो सकती है वहां पे जोन एक और शिफ्ट लिया जोन नीचे का है बिल्कुल नीचे को बन गया जोन ये बहुत अजीब सा जोन है क्योंकि थोड़ा सा पानी वाला हिस्सा यहां पे ये वाला जो एरिया है ना बहुत मिलता जुलता है पिछले जोन से मिलता जुलता है हां टोटल ओपन एरिया ये सारा जितना भी है लेफ्ट साइड पे एक और नॉक पड़ा है ओली की टीम बिल्कुल तो सेफ है एक साइड पे जोन के अंदर है अभी यहां पे टीम नंबर 8 के एक प्लेयर को नॉक किया था गया था बी लैक की टीम में बी लैक के प्लेयर को नॉक किया गया था लेकिन रिवाइव हो चुके हैं वो गाइस हरी अप गो फॉर लाइक यार गो फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब टीम नंबर 19 इज ओपन टोटल 9 है कहां पे 19 कहां एक प्लेयर को नॉक किया गया ना यहां पे दूसरा फटी हुई गाड़ी लेके आया और उसको रिवाइव दे दिया जाएगा एक स्मोक कर दिया गया उसके ऊपर कवर फटी हुई गाड़ी लेके आया इसको पहले ही स्प्रे पड़ी हुई थी और कहां से अच्छा ओके कवर हो चुका है और टीम नंबर 6 इसके बिल्कुल लेफ्ट पे है बैक साइड पे देख रहा है ये काफी मुश्किल फेस करेंगे इन टीम जो दो प्लेयर हैं इसकी टीम नंबर 9 उनको ये आराम से ले सकते हैं लेकिन लेफ्ट साइड से कवर अच्छा मिल रहा है इस वजह से ये ओपन नहीं आ रहे और सेम जोन है सेम सर्कल जहां पे लास्ट जोन खत्म हुआ था ना पिछली गेम और नाइस नेड और चेक द नेडिंग नाइस नेड Everyone guys go for make like and subscribe guys mere ko fight dekhni hai cc olive ki
ओली की ये वाली टीम माय फेवरेट टीम, लेट्स सी क्या बनता है इनका। अभी भी इनका सिर्फ एक ही किल है, किल इनका कोई नहीं है, किल जीरो है, लेकिन एक बंदा इनका किल हो चुका है जो स्टार्ट में ही किल हुआ था, और तीन बंदे अलाइव हैं इसके। बाहर एक और नॉक है ब्लैक टीम नंबर सिक्स का, नंबर फोर नॉक है और एक जीरो एचपी है जो कि जोन स्टार्ट हो चुका है जिसकी वजह से टू मच फाइट्स थिंक सो टीम नंबर सिक्स फिनिश हो जाएगी यहां पे। लास्ट मैन फॉर टीम ब्लैक एंड इट्स फिनिश्ड। ओ नेड किल, नाइस ओलिव शॉट, ओलिव शॉट। What a gameplay, nice. But in the Olive got a nice headshot. He's just only team 19 in the circle. Circle का again left shift बहुत अच्छा है, side पे निकल गया बिल्कुल ही लेफ्ट साइड पे। क्या लगता है डेब्लो इस टाइम ओली की टीम बाहर है, टीम नंबर 19 बाहर है, 19 एक ही टीम अंदर है टीम नंबर 19 और एक नॉक पड़ा है ये टीम नंबर 16 का आई थिंक, यस टीम नंबर 8 का एक नॉक पड़ा है, उसने अपनी हेल्थ की आई थिंक गिरा दिया दूसरे बंदे को देने के लिए कि भाई तुम टीम फाइट की कर लिया मेहरबानी करके टीम निकाल ले किसी तरह मैच, लेट्स सी क्या बनता है। ओली की टीम इस टाइम टोटल बाहर है भाई, ओली ने एक अच्छा किल निकाला है। अभी रोटेशन स्टार्ट करेंगे ये लोग क्योंकि जोन स्टार्ट हो चुका है, जोन स्टार्ट हो गया अगर टीम नंबर 5 ने ओली को नॉक कर दिया है और फिनिश कर दिया जाएगा और फिनिश कर दिया गया टीम नंबर 5 की तरफ से, लेकिन दो सीटी के टीम नंबर 10 के प्लेयर जोन में जाने के लिए रेडी थे और वो गाड़ियों Oh, nice spray by team number 19. ओके जोन अगेन मिड में है थोड़ा सा, तकरीबन सब की टीम्स बाय में है, टीम नंबर 2 जो है कि वो फुल अलाइव है लेकिन टीम नंबर 16 के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है यहाँ पे, इसके बैक साइड पे है और टीम नंबर 2 के पास सिर्फ एक ही रिच है, लेकिन ओ व्हाट अ नेड बाय टीम नंबर 2। डब्लो देखा टीम नंबर 2 ने जो टीम नंबर 5 के प्लेयर को नॉक किया नेड से भाई, ओपी नेड। आई सस्पेक्टेड 19 टीम Guys, go, yaar, hurry up, finish this room and I will go to sleep for medicine. एक और नेड, ओ मॉली नंबर 2 पे, टीम नंबर 2 पे, टीम नंबर 16 है, नाइस कंपाउंड बट जोन से बाहर है भाई, नेक्स्ट जोन में वो, उनको भी जोन के अंदर आना पड़ेगा। इस टाइम टीम कोई भी नहीं जोन में, कोई भी नहीं, सब एजेस पे बैठे हुए हैं। एक और टीम नंबर 5 का नॉक है यहाँ पे, टीम नंबर 2 की काफी मॉडिंग यूज की जा चुकी है यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम टीम नंबर 2 जो है व्हाट अ गेम प्ले बाय टीम नंबर 19। टीम नंबर 2 को नहीं पता कि टीम नंबर 9 का एक प्लेयर
अंदर है और वो उनको काफी अच्छा डैमेज और क्यू निकाल सकते हैं वहां से। आई थिंक छोटे में और वही चीज हुई पेलिकन 9 एक प्लेयर एक ही अलाइव है और काफी जीरो एचपी कर दिया गया स्मोक के अंदर। नाइस और फिनिश कर दिया जाएगा। नाइस नाइस प्ले नाइस प्ले जीजी। अभी वही सीन है 3v3 है, एक नॉक पड़ा है टीम नंबर 2 का और वहां पे सीन है और इसके भी सीन है। तो लेट्स सी ये फाइट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, अपने उसको प्लेयर को रिवाइव देते हैं या क्या करते हैं यहां पे। लेट्स सी नेड स्टार्ट हो चुके हैं, मॉली स्टार्ट हो चुकी है, यहां पे स्मोकिंग भी कर रहे हैं वो लोग, काफी अच्छा कवर बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब 3v3 की फाइट है। अगर उन्होंने किल फीड पड़ी होगी तो देखी होगी तो ओ भाई स्मोक और नेड की बारिश है भाई। डब्लो ये वाला सीन चेक करने वाला है भाई। ओके जोन स्टार्ट। वन नॉक टू नॉक इट्स 1v3 नाउ 1v2 नाउ। वेल प्ले टीम नंबर 2 व्हाट अ गेम। नाइस विद 6-7 ओ भाई साहब 3-6 12 किल के साथ टीम नंबर 2 ने चिकन निकाला है। वेल प्ले S2S नाइस गेम प्ले, अच्छा गेम निकाला यार। पॉइंटेबल चेक कर तो टीम होगी जिसके किल नहीं होंगे। पाकिस्तान के कितने होते थे 1-2 के किल, बाकी सारे 0-0। इधर देख सबके किल होंगे। S2S ने अच्छे किल निकाले हैं और स्टार्ट से ही ये टीम बहुत जबरदस्त खेली है। मेरे को ओलीग से था कि वो शायद अच्छा खेलेगा, लेकिन उसने भी बहुत अच्छा खेला है। पर no doubt. जब वो जोन में जाने लगा तो पीछे से टीम नंबर 5 के एक प्लेयर ने उसको गाड़ी में से उतार के फिनिश किया। वो एक मतलब बुरा हुआ उसके लिए, लेकिन बहुत अच्छा खेला है इसने। हेलो रियल भाई कैसे हो, कूल डाउन मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो यार। S2S विद 12 किल के साथ चिकन है, टीम नंबर 2 का 6 किल है, टीम नंबर जो सेकंड नंबर पे आएगी टीम FLCN के भी तकरीबन 3 किल है, तीसरे नंबर पे रही टीम B-Lack, ये काफ़ी सारे मिक्स प्लेयर्स हैं, इनके भी 3 किल हैं। 5 नंबर पे जो टीम आई है उनके 5, 9, 11 और 12 किल हैं इनके पास भी यार। बहुत अच्छा खेला स्प्रे ने, वेल प्ले स्प्रे। बट इनको पोजीशन काफ़ी नीचे मिली है जो 5 नंबर पे है, लेकिन ही प्ले वेरी वेल, दे प्ले वेरी वेल। 12 किल मैन, आई मीन सीरियसली नाइस। 6 पे आइए WU विद 2, 4, 6, 7 किल्स। 7 पे ITG 2 किल, उसके बाद CC ऑलिन ओलिव 6 किल है इनकी टीम के पास भी, पर 8वें नंबर पे आई है। 9वें नंबर पे भी एक अच्छी टीम है ब्लैक टीम, जिसके ब्लैक के क्लैन टैग है और 5 किल है इसके पास। काफ़ी अच्छा खेला है सारी टीम ने, बट इनका जो पहला सर्कल था टीम स्प्रे ओपी मैन सीरियसली 5, 9, 10, 12 किल के साथ। अगर ये आगे थोड़ा सा और सर्वाइव कर जाते टीम स्प्रे तो ये बहुत सारे किल्स निकाल सकते थे। पर ये टीम नंबर 5 पे टॉप 5 पे फिनिश किया है इन लोगों ने। पर S2S भाई क्या खेला है लास्ट में और ऊपर, जबकि जो इनकी फाइट हुई है ना टीम नंबर ये जो 2 पे है और टीम नंबर 1, इनकी जो पहली पे और दूसरी पोजीशन पे आए, इनकी जो फाइट थी ना उसमें ये जो टीम नंबर 2 है इसको बड़ा एडवांटेज था, ये ऊपर थे और S2S वाले नीचे, तो ये मैच अच्छा निकाल सकते थे, लेकिन दे प्ले वेरी वेल भाई जीजी। S2S 6 किल नाइस, 1 बोनस और डैमेज इसका 800 का, वेल प्ले। इसका नाम पता नहीं क्या है, SOU लिखा हुआ है आगे चाइनीज है कुछ। स्प्रे के सेलिस 1 असिस्ट है, 4 रिवाइव है, वेल प्ले ब्रदर नाइस। फिनिशर 3 असिस्ट है S2S के जगीरा नाम है इसका, पता नहीं अब इसके अपनी लैंग्वेज में इसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। डिस्टेंस अच्छा ट्रैवल किया, असिस्ट 2 है, 3 डिफीट है, वेल प्ले ब्रदर जीस। ओके भाई साहब all team play very well, nice game plays. guys daily शाम को 7 बजे ये start होगा, जो पाकिस्तानी audience सुन रही है। game loop cup है ये organized by M24 clan and
पाकिस्तान की जो एमुलेट गेमिंग कम्युनिटी है और स्पॉन्सर है गेम लूप। सो डेली शाम को 7 बजे इसके मैचेस स्टार्ट होंगे, 5 रूम है डेली के, तो आना लाजमी देखना, बड़े अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। बहरहाल जो ये जो लास्ट मैच हुआ है भाई ज़बरदस्त, और जो सेकंड लास्ट मैच हुआ है ना जिसमें वो 0 HP के साथ वो खान ने मारा है लेजेंड ने, भाई ज़बरदस्त खेला वो बंदा वहाँ पर। ऑल डन ना मुनीब अभी के लिए? हाँ, यही 5 है ना बस खत्म। ओके मैं एक मिनट आया। डियाब्लो क्या हुआ था लास्ट मैच में? लास्ट मैच यार नकवी बड़ा जबरदस्त था भाई। नहीं मैच सही हुआ है, ये डियाब्लो को पता नहीं क्या हुआ था, बोल ही नहीं रहा था बिल्कुल ही। डियाब्लो नहीं बोल तो रहा था लाइव स्ट्रीम पे, इंग्लिश इंग्लिश में कुछ लगा हुआ था, मेरे को समझ नहीं आया क्यों। वो आए हुए थे ना अंग्रेज आए हुए थे ना इसकी स्ट्रीम पे, वो सारे हां वो देख रहे थे, लेकिन उसका कोई इतना इशू नहीं है कि इसने इंग्लिश में ही बोलना था उनके सामने, अपनी आराम से वो कमेंट्री कर, उसमें कौन सा रोले की बात है, वो तो मैं ही देखने आया टीम को सब, वही ना। वैसे ज्यादातर आपके वो एफबी पे मैंने देखे, एफबी पे काफी लोग आए हुए थे ज्यादातर, तो जितना यूट्यूब पे नहीं थे यार। आवाज है ना काफी अच्छा था, काफी अच्छा भाई मतलब, उन्होंने जो स्टार्ट में खेला है ना उन लोगों ने बहुत फास्ट खेला, मतलब पूरा गेम ही उन्होंने फुल एग्रेसिव खेला है बिना, उसके बाद एंड में जाके स्लो हुआ है दरमियान में जाके, लेकिन बहुत अच्छा खेला है उन्होंने। मुनीब माइक खोलियो जरा। हाँ हाँ तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती की है जो इतना स्पीड स्पीड से ये चीज कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट बना सकते हैं इस चीज को, लेकिन तुम लोगों ने बहुत फास्ट फास्ट कर दिया ये चीज। उन्होंने तो भाई उन्होंने कहा था सीजन एंड होने से पहले खत्म कर दो। नहीं यार ये तो हम फिर मिनटें करके आगे लाए हैं। अभी ये देखना कि ना अभी ना तो प्रैक्टिस है किसी बंदे को, जो जिसने मेरे ज़हन में ये था कि स्पेक्टेट कोई और करेगा, हम लोगों ने सिर्फ अपनी स्ट्रीम पर चलाना है, पर यहाँ पे तो स्पेक्टेट भी करना है और बोलना भी है, वो बहुत मौका काम है। इन लोगों के तो पहले से नाम नहीं पढ़ने आते ये बाहर के जो बंदे, और एक पाकिस्तानी है, उन लोगों ने सिर्फ सिंबल ना इन 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 चीज के लिए ना कम से कम 1 महीना चाहिए था इसकी प्रेप के लिए, कि हर टीम के बंदे को मतलब हर टीम के नाम लिखते हैं आप लोग उसकी, मतलब जो रजिस्टर करते हैं ना उनके टीम के नाम लिखते हैं, वो सब स्पेक्टेटर को देते कि ये वाले टीम्स हैं इस ग्रुप में, जब ये मैच होगा तो ये पेज है उसका, जो ये मैच होगा इस तरह होना चाहिए था। इतना बड़ा टूर्नामेंट है उसको इतनी स्पीड से खत्म नहीं करना चाहिए, टाइम कम है ना असल में। अभी तो गेम लूप स्टॉक को जो बिजी काम होते हैं ना, और बेसिक तौर पे करा रहे हैं ना क्योंकि अभी तो शुरू कर रहे हैं ना, फिर आगे और देखेंगे मतलब प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे। अभी तो मतलब जितना फीडबैक हमें आ सकता है हम देख रहे हैं ना कितना फीडबैक आएगा और रिस्पॉन्स कैसा आएगा टीमों की तरफ से, और फिर आगे कैसे लेके चलना है। ये ऑफिशियल है ना, इसमें तो टीमों ने खुद ब खुद आना था, ये मतलब लोकल तो है नहीं ना, अगर तो होता ना कि लोकल, क्योंकि ये तो गेम लूप के सरदर्दी है ना कि वो टीम्स को लेके आएगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने पेज पे अनाउंस कर दिया, फिर तो टीम आएंगी आएंगी, तो इसके लिए सिर्फ टाइम चाहिए था,
और वो बनाया है यार, वो जो बनाना था ओबीएस के लिए, वो सारा कुछ बना के देना। हम कल लोग कल उस तरह बैठ के कल स्ट्रीम वही करें। होगा इंशाल्लाह, उसी भी होगा, हाँ उस बैठा तरह हूँ मैं बैठ के भाई। स्ट्रीम करेंगे, और थोड़ा चिल माहौल में। और ये अंग्रेजी बोलने में ना वो मतलब फजूल हरकत है, मतलब हम लोगों को बोलने तो अब आती नहीं यार किसी को प्रॉपर नहीं, तरीके से। हाँ वो मैनेज करते हैं ना, ढूंढते हैं किसी को, उसका अलग, समझ रहे हो डाल लेते हैं बंदा, कोई नहीं है, उसके। बंदा है अगर कहता तो मैं बुला लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसका, अगर अंग्रेजी वाले डालना तो। या अगर तुम लोगों के पास आए तो कोई आप ले आओ। हाय क्रैंकी, कैन यू हेयर मी ब्रो? देर इज ओनली देखें वन वे, वी विल मेक रिजल्ट्स आफ्टर टुमारो मैच, लाइक देर इज इन हाफ वे, लाइक दे विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल लाइक टुमारो। ओके, सो आई जस्ट नीड टू अनाउंस देम इन द वेबसाइट यप, टू। टुमारो यू कैन अनाउंस देम बिकॉज वी I like and subscribe, brother, and would love to win RP. Make sure we will do in tomorrow, inshallah. We can get, we'll be there for you. So like there are matches for group like A to E. So like Just tell me A to E tomorrow. group will fight with each other like today, and then yep, we will calculate both points, like today points and tomorrow points, then we will make a single point table, then you will get the teams for semifinals, then you can announce that teams that these teams are qualified for the semifinals. Okay, explain me tomorrow. I'm gonna go to sleep now. Okay, you can So, sleep. good night. Good night. I am not going to sleep now. I need to cook and everything. Yep. By the way, Yeah, I'll I'm send something on calculating this the. Saturday. Okay. Yeah, just let me know. Yep. Good luck. बाय। अबे इसको उर्दू समझ आती है यार, ख्याल कर। भाई दो भाई देख, तेरा भाई ने दो रूम भाई दर्द में बैठ के सस्पेक्टेड, लाइक परचेज किए हैं। सस्पेक्टेड नहीं दिया तो असल अच्छा में भाई, ग्रुप ए जरा। का मैंने डाटा एंटर कर दिया है, ग्रुप बी का क्या है? हाँ कहाँ है ग्रुप बी? हाँ बल्कि वे चीज करनी है, बैक आएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे। एक दो ना लड़के आया, कह रहे भाई अगर आप कर सको थोड़ा सा इंग्लिश कर दो कास्टिंग ना, थोड़ा सा फाइव मजा। फिर मैंने अपने फनी अंदाज में शुरू किया, तो हंसत कहते यार यही कर, कहते ऐसे ही कर, फनी में हमें और मजा आ रहा कौन है। आया? तो था यार एक वन अप रॉय था, वन अप रॉय। भाई तो कहते हैं यार इसमें हमें और ज्यादा मजा आ रहा है। अबे हाई हाईएस्ट वाचिंग आज गई है अपना 26 तक। यार डियाब्लो पर तेरी स्ट्रीम ना लैग हो रही थी, भाई वो जान, सही भाई जान मोबाइल डेटा पे स्ट्रीम कर रहा हूँ अभी, नेट कल ठीक होगा। नेट, अगर हो, अगर तेरा नेट होता तो बिल्कुल सही होती और स्ट्रीम। क्या, मेरा स्ट्रीम पहले कभी अड़ती है? मैं समझा इतना लैग हो रहा है तेरा गेम, इसलिए स्ट्रीम अड़ी है। नहीं तो यार नेट, मेरी बात सुन, मोबाइल डाटा पे, अब बात सुन, हाँ मोबाइल डाटा पे गेम चल रही है, मोबाइल डाटा पे ओबीएस चल रहा है, मोबाइल डाटा पे डिस्कॉर्ड चल रहा है, मोबाइल डाटा पे क्रोम चल रहा है, अच्छा ऐसे क्या। लास्ट वाला जो मैच था क्या ही जबरदस्त था, जब फाइट हुई है ना मैंने बोल दिया भट्टे था पे, तूने ना वो भी नहीं देखे दूसरे सभीयों की फाइट, मैंने बोला ना इसको अरबियों की फाइट में मजा आया। अगर अपने पाकिस्तानी आधे अरबी होते ना तो थोड़ा मजा आता, पर नहीं मजा आता, क्योंकि पिंग उन्होंने ये पिंग हाँ, पिंग पिंग होती, पिंग खराब हो जाती। पर असल मजे की बात ये, सारी पाकिस्तानी टीमें तकरीबन आके बोली कि यार अरबियों के ग्रुप में हमें क्यों नहीं डाला, मैं ज्यादा कॉम्पिटेटिव खेलना था। फिर
भाई उनको बोलो, उनको पिग हाई होगी, नहीं नहीं उनको सिंपल बोलो, उनको सिंपल बोलो कि भाई आप आगे क्वालिफाई करो, फाइनल जब रूम्स फाइनल होंगे सबके इकट्ठे होंगे ना रूम। बोलता मैं अनाउंस करता हूँ गेम लूज सर्वर, रिजल्ट दे मेरे को। मैं क्या भाई सबर कर जा, ये पता है कि वो आया वो था कहता है रिजल्ट बना के दे मैं अनाउंस करता हूँ। मेरे को पीएस टीम नहीं पड़ी, मैं बना देता हूँ। तुम लोग बंदे थोड़े हो, ज्यादा टीम चाहिए इस काम के लिए ना, काफी सारे बंदे होने चाहिए तो जो इसको हैंडल करते ना एक साथ में। भाई तुझे नहीं पता ना कि असल में सीन ये है कि ये पूरा मैनेज सिर्फ दो बंदों के चल पे चल रहा है। ये तो हेडशॉट था, इसने बनाए हैं रूम जिम्मेदारी से, ठीक है। अगर ये हेडशॉट ना होता जिससे मेरी लाइट गई थी ना, ये शोनू होता अगर इसकी जगह, शोनू ने पोस्ट लगी होती रूल नहीं है, रूम खत्म है आज कल आना। नहीं नहीं, नहीं लाइट इशू एंड इंटरनेट इशू, रूम विल बी कैंसल टुडे, टुमारो विल अगेन स्टार्ट। भाई पिछली दफा हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, मैं टाइम पे आ गया हूँ, इसने पोस्ट लगाई हुई थी कि रूम ही खत्म आज से। डेवलो अपनी ना तबीयत सही कर लियो कल को ना, और चैट मत पढ़ियो जितने भी रूम होंगे। ये चैट बहुत पढ़ रहा है उसको, सुरैक ही मारा भाई, वो देख रहे थे इस टीम चैट मत पढ़ियो। मेरे जितने भी कमेंट थे ना चैट वाले, वो बुलाते रहे करते रहे बार बार, मैं जब रूम पे चैट में बीच में यार सलाम आता है फिर आदत है ना, वो कोशिश कर दूंगा। चैट बंद कर देना कमेंट्री में, यूं नहीं होता। मैंने चार घंटे स्ट्रीम किया, मैंने एक दफा भी नहीं चैट पढ़ी सर, और दूसरा हम लोग रूम खेल रहे थे ऐसे में यार। उस टाइम पढ़ो, उस टाइम चैटिंग का लगा लो बेशक। नकवी तेरे सामने है, एक तेरे सामने ही है, मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा ना इसको, तो जब हम लोग मतलब ये जो फारिक टाइम होगा ना, जो बीच में 10 मिनट होते हैं, उसके टाइम पे ना वो रिकॉर्डिंग उसकी देख लेंगे एक मैच की ना, वो जितना भी मैच रिकॉर्ड किया होगा ना उसमें से जो पॉइंट होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस मार लिया, या जो जिस तरह ये अभी थर्ड जोन थर्ड मैच में जो लास्ट में क्लच हुआ है वो बड़ा जबरदस्त था, इस तरह की चीजें तो वो बीच में, और ओवरले बना के दे दे भाई वो फिर वो सेटअप के लिए ना। तो मैं बैठा हूं अभी, रुक जा बनाता हूं यार। मैंने उसको क्यों को कहा है कल यार, वो अजीब बंदा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही यार। तो वो बना किसी भी तरह ना, साइड है बस, वेबकैम का बनाना है और बीच में हल्की सी विंडो आ जानी है उसकी, जिस तरह डेब्लो ने तेरे को दिखाया अभी तक। अच्छा नहीं, बेहतरीन बनाया वो बीच में, वो रिप्ले के लिए वो बोला ना क्लचेस, वो बीच में लगा दिया करेंगे जब दौरान स्ट्रीम पे जो बेस्ट क्लचेस होंगे, जैसे वो लगा वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ना साथ में, ओबीएस में रिकॉर्ड हो जाते हैं वो फौरन ही, साथ-साथ रिकॉर्ड होते जाएंगे वो रिकॉर्डिंग, साथ बाद में चला सकते हो बाद में आप फौरन। वो अपना काम आ रहा है, काम है, ये भी चला सकता है डेब्लो भी अगर ये रिकॉर्ड करेगा, नहीं तो मैं तो मतलब कर ही लूंगा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के साथ चलता रहेगा वो साथ। तो ये तो स्ट्रीम रिप्ले भी ना, नेट ठीक हो गया फिर, मेरा नेट ठीक हो गया फिर तो रिकॉर्डिंग का मसला यार। आज तो मैंने पहला मैच तो बड़े ईमान नकवी भाई पहला मैच कैसे ईमानदारी से किया है, दर्द में क्या कर। मेरा 6.5 नेट सही हुआ है, पर मैंने फिर भी मैंने कहा यार रूम का, जैसे मैंने देखा आईडी पासवर्ड आया मैंने कहा मैं ज्वाइन मारता हूँ, स्ट्रीम में नहीं स्टार्ट की थी मैंने, स्ट्रीम एक बाद में स्टार्ट किया क्योंकि मैं इसको बहुत पहले ही कॉल कर रहा था लेकिन इसका पता नहीं नंबर ही नहीं मिल रहा था तेरा, मनीष ना तेरा फ़ोन नंबर पर वो बेल जा रही थी ना तेरा डिस्कॉर्ड पर आ रहा था, यहाँ पर दिखा रहा था कि तू मोबाइल से ऑनलाइन है डिस्कॉर्ड। इसको मैंने कहा था रामी को विंगल भेज दे मेरे को, ये आज भेजता है। अच्छा वो लकवी गेम लूप के ऑफिशियल सर्वर पे तेरी स्ट्रीम से हो रही थी ना वहां पर? नहीं वो अपनी कर रहे थे। नहीं अपनी कर रहे थे, वो क्रैंक ही कर रहा था लाइव, ये जो अपने साथ भी बैठा था ना ये कर रहा था, तो ये इंग्लिश में कर रहा होगा ना वहां पे, बोल नहीं रहा था ये तो दिखा रहा था सिर्फ, जस्ट स्ट्रीम कर रहा होगा, कमेंट्री शमेंट्री कुछ नहीं। ए भाई रिक्वेस्ट ही आई हुई है इनकी, टैग वाले की आई है पाकिस्तान, एक अरबी है ARG की उसकी आई हुई है, पाकिस्तान पाकिस्तानी कैप्टन जीरो officials
लिवा लिमिट्स टीम किंग डी सेवन एक्स ऑफिशियल आर टू एच ऑफिशियल दोनों एक काम करता है वो तेरे पास शीट है ना वो टीम्स वाली जो क्यों ने बनाई थी जिसमें तुझे कह रहे थे पेस्ट कर तू एक सेकंड लेने दिखाने दे तेरी आज अच्छी वॉचिंग आई थी डियाब्लो है ऐसे ही करता रहे बस थोड़ा लैग वैग ना हो यार ये हो जाएगा बोलो तुम हाँ उसमें तो ग्रुप्स में आ और ये मैच करी जरा क्या कहती हैं ग्रुप्स में क्या स्ट्रीम करते हैं दोबारा अगर देखते हैं नेट ठीक होता है तो अभी ये जस्ट टूर्नामेंट की स्ट्रीम तो डेट से मुझे बंद करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रीम करते हैं अगर नेट ठीक हुआ तो गिव मी 5 मिनट